मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग चाची। आज भी हमारे छोटे भाई मिस्टर रवि कुमार घर नहीं आए। नहीं बेटी। उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। खैर मोहन तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा हुआ दीदी मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैं तुमसे हजार बार कह चुकी हूँ कि मुझसे फजूल बात मत किया करो। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है शांति, मुझे बोलने तो दो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं और ना ही मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। भगवान जाने तुम्हें इंस्पेक्टर किसने बना दिया। बस ये कड़क वर्दी पहननी आती है मगर इसको भी धोकर सुखाकर इस्त्री करके कड़क मैं बनाती हूँ जी। अच्छा दीदी ये तो बताना कि इनकी ट्रांसफर क्यों रुक गई? तुमने सिफारिश की थी ना। क्यों सुबह सुबह मेरी बेइज्जती की अर्थी निकाल रही हो? वो तो मेरी सेवाओं की वजह से सरकार ने मेरा तबादला रोक दिया। रहने दीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने दीदी से कहा कि दीदी मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, ये कहकर आंसू गिराए तो इन्होंने तुम्हारी ट्रांसफर रुकवा दी है ना दीदी। शांति तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कानूनी मामलों में मैं रिश्तेदारी का इस्तेमाल नहीं करती, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि वो ऑर्डर मैंने कैंसिल करवाया? उड़ गए होश के तोते, उतर गया बड़ाई बाजी का नशा। देखो जी मेरे मुंह मत लगो, अगर मेरा दिमाग घूम गया तो बताना मैं क्या करूंगी। प्लीज प्लीज आप अगर बाहर इंस्पेक्टर हैं तो दीदी घर में कमिश्नर हैं। मालूम है आप इनसे कभी जीत नहीं सकते। मालूम है मेरे साथ आइए मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मालूम है आइए। मालूम है चलिए। चाची रवि नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? अरे रवि तीन रोज से घर नहीं आ रहा है। तीन रोज से? हाँ, और भाई बहन में फिर से ऐसे हो गया है। भगवान नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो ना? नमस्ते सेवकराम। नमस्ते, कैसे हो? आपकी कृपा से जी रहा हूँ। जियो सदा जियो, 100 साल तक जियो, जब तक मौत ना आए जीते रहो। अभी आया ये नगड़ा सेवकराम फिर आ गया। जब तक ये मिले था देश को बाप का माल समझकर खाता रहा, अब इलेक्शन में हार गया तो हमारी जान खा रहा है। अरे इतना ही नहीं मालिक, जब भी आता है मुफ्त में खाकर चला जाता है, कहता है एमएलए आमलेट लाओ, एमएलए पराठा लाओ, एमएलए लस्सी लाओ। अरे इलेक्शन हार गया मगर एमएलए का भूत नहीं उतरा अभी तक। कोई भूत है? शस्त्र अस्त्र बनाने वाली उद्योग फैक्ट्री का पता चला, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक है, चोरी की वीडियो फिल्मों का सत्यानाश कर रहे हैं, अपने को क्या करने का, अपने को तो रिश्वत मिल रही है। लापता नाम रवि कुमार, उम्र 25 साल, रंग सांवला, कद 5 फुट 11 इंच, ऊपर दी हुई फोटो वाला नौजवान 4 दिन से लापता है, पता बताने वाले को 10,000 रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। 10,000? भाई मेरा बेटा मेरा कलेजा माई प्रा जुमा अरोरा, तू कहाँ खो गया था? सेवकराम सीतापुरी के सगे। आप कौन है जी? ऐसे सवाल करके मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाओ। तुम्हारे सवाल से ऐसे लगता है जैसे मैं इलेक्शन हार गया, साथ में जमानत भी जब्त हो गई। इस तरह क्यों रो रहे हैं? पिछले इलेक्शन में मैं हार के इतना नहीं रोया था जितने तुम्हारे सवाल ने आज मुझे रुला दिया। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप खामों का क्यों रो रहे हैं? प्यारे मेरे राज दुलारे, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का हूबहू मेरा एक छोटा सा भाई भी था। पिछले इलेक्शन में भगवान को प्यारा हो गया क्या? नहीं, एक मेले में बिछड़ गया, उस रकम मेरे सीने में गड़ गया। मेरे घर चलो, मेरी बीवी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, उसे ऐसे लगेगा जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जीत गई। घर चलो ना। सावित्री, अरे वो सावित्री। क्या है जी, क्यों इस तरह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? गला फाड़ के नहीं चिल्ला रहा हूँ, बल्कि रसगुल्ले जैसी बीटी खबर लाया हूँ। ये देखो कौन आया है। कौन आया? कौन है ये लड़का? ये लड़का नहीं है, मुझ मोहब्बत के कड़के का भाई है, तुम्हारा देवर है। वो बचपन में नहीं मेले में खो गया था, मेले में, वो मेले में। और से देखो, मुझे देखो, इसे देखो, इसे देखो, मुझे देखो, चकल मिला के देखो, मिलती है ना? देवर जी, भाभी जी, देवर जी, भाभी जी, देवर जी, अरे भाभी, देवर जी, शराब भाभी जी, शराब भाभी जी, भाभी के गले थोड़े लिपटा जाता है, उसके पैर छुए जाते हैं। मैं क्या करूं, इन्हें देखकर सिर्फ गले लगने को जी चाहता है। बड़े भैया
बड़े भैया? हाँ। तुमने मुझे बड़े भैया कहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं सारे वोटर चिल्ला रहे हो, सेवकराम सीतापुरी जिंदाबाद, सेवकराम सीतापुरी जिंदाबाद। अरे ये तो कुछ नहीं, आप कहें तो देश का नेता सेवकराम सीतापुरी जिंदाबाद ये नारे भी लगा सकता हूँ। क्यों नहीं, मैं हूँ इसी लायक, सिर्फ टांग से मार खा गया हूँ, वरना सारे देश को टांग देता। लगता है तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी भाभी के साथ ऑमलेट के बारे में डिस्कस करके आता हूँ। भाभी जी? नहीं नहीं नहीं, बैठो सावित्री, चलो। नमस्ते सुमित्रा देवी। आप कौन? मेरा नाम सेवकराम सीतापुरी है, एक्स एमएलए हूँ। लाइए निकालिए 10,000 रुपए। माफ कीजिएगा, मैं आप जैसे लोगों को चंदा वगैरह नहीं देती। मैं एक्स एमएलए हूँ, कोई यतीम खाने का चंदा वसूल करने वाला नहीं हूँ। ये अखबार देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे 10,000 रुपए क्यों मिलना चाहिए। लाइए 10,000 रुपए निकालिए, मैं आपका खोया भाई आपके हवाले करता हूँ। जी नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, आप उसे अपने ही पास रख लीजिए। समझा नहीं? ये इश्तिहार मैंने नहीं दिया, समझे? ये इश्तिहार उसने खुद दिया है, ये उसकी आदत बन चुकी है। ड्राइवर चलो। ये उसकी आदत है? अरे माँ, ये उसकी आदत है, ये उसकी आदत है। सावित्री, सावित्री, सावित्री। अरे अरे बाप रे, ये क्या हुआ, कैसे हो गया, बोलना। अरे बोलना क्या क्या हुआ, अरे बोलना। वो लड़का जिसे तुम देवर बनाकर लाए थे, वो सब कुछ लुट कर चला गया। सब कुछ? हे भगवान। ओ गॉड, ये क्या हुआ मम्मी, किसने तुम्हें बांधा? एक लुटेरा आया, मुझे बांधकर सब सामान लूटकर चला गया। दिन दिहाड़े डाका, ये सरकार क्या कर रही है, सो रही है या जाग रही है? ये सवाल यहाँ मत कर, मैं असेंबली में उठाऊंगा। मगर कैसे उठाऊंगा, इलेक्शन तो मैं हार चुका हूँ, मुझे अंदर जाने कौन देगा? उफ, वो पिताजी जो सामान चोरी हो गया है, पहले उसकी लिस्ट तैयार करके पुलिस को खबर करते हैं। तेरे जो जी में आए वो कर, मेरा तो घबराहट के मारे कलेजा लंगड़ा हो गया है। अरे तो सब सत्यानाश कर दिया जी, क्या पागल होता हूं। खोलो तो सही। क्यों खोलूं? पिताजी पिताजी पिताजी, ये देखिए मेरा हीरो का हार गायब हो गया, फौरन पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं कर सकते, ये तो सीमेंट रोड के खबले में सीताराम का दिया हुआ छोटा सा तोहफा था, इसका ना हिसाब है ना रसीद, फंस जाएंगे। अजी सुनते हो, मेरे चांदी के सारे बर्तन गायब हैं, इसकी रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, ये तो डामर रोड के खबले में दलपत राम का दान पान था, इसकी भी रसीद नहीं है, हिसाब ही नहीं है, फंस जाने वाली बात है। पिताजी, क्या मेरा 3-1 भी गायब है, इसकी रिपोर्ट तो जरूर करेंगे। अरे फंस जाएंगे मेरी माँ, फंस जाएंगे। मिट्टी रोड के खपले में सतपाल का दिया हुआ छोटा सा नजराना था, इसकी भी रसीद नहीं है, अब क्या होगा मेरी माँ? अरे पिताजी, माँ के सारे सोने के गहने गायब है, इसकी रिपोर्ट तो जरूर कर सकते हैं। कर दो। नहीं बेटी, जब मेरे पिताजी तहसीलदार थे तो उन्होंने रिश्वत लेकर मेरे लिए गहने बनवाए थे, इसकी रिपोर्ट मत करना बेटी, मत करना। तो इसका ये मतलब हुआ कि उस डाकू ने वही चीजें लूटी जिनकी हम रिपोर्ट लिखवा ही नहीं सकते। इस घर में रिपोर्ट लिखवाने के लायक है क्या, सब रिश्वत का माल भरा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बिल्ली की तरह सारी जिंदगी बोटियां चुरा कर लाते रहे और उसने कुत्ते की तरह एक ही झपाटे में सब लूट डाला, कौन था वो धोखेबाज? ये रही मेरे उस बाप की फोटो जो मुझे भी टांग दे गया। बचकर कहां जाएगा, कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, तो निपट लूंगी। थैंक यू, तुमने मेरी बातों पर भरोसा करके खुदाई का काम शुरू कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। पानी कब तक निकलना शुरू हो जाएगा? थोड़ी ही देर। अरे रवि भाई, तुम उम्र में कमती है पर जेल और वचन तुमने पूरा करके दिखाया। रवि भैया लीडर थोड़ी है जो इलेक्शन से पहले हाथ जोड़ता है और इलेक्शन के बाद वादा तोड़ता है, रवि भैया तो दिल वाला है, दिल वाला। अरे वाह कमल, क्या बात करी तुमने, वाह। रवि भैया, आपने इस बस्ती में पानी की कमी दूर करने के लिए जो मदद की है उसके लिए हमारी महिला मंडली आपको सम्मान देना चाहती है। अरे मुझे सम्मान नहीं, सम्मान तो इस इलाके के एमपी राजशेखर को दो जो तुम्हारे वोट लेकर जीत तो गया लेकिन तुम्हें और तुम्हारी जरूरतों को बिल्कुल भूल गया। गणेश भाई काम करो, एमपी राजशेखर और उस लंगड़े सेवाग्राम सीतापुरी को यहाँ बुलाओ और उनके हाथों से इस पंप का उद्घाटन करवा दो। अरे वाह रवि भाव, वाह, उन लोग को बुलाएंगे और उनको ऐसा सम्मान देगा कि दूसरे टाइम झोपड़ पट्टी में आके वोट मांगने का हिम्मत नहीं होगा। नमस्ते। नमस्ते। मारो मारो मारो।
तुम नारा मारो तो ऐसे बोलो ना, मेरा दिल घबरा के लंगड़ा के पेट में उतर गया। अरे आप भी कैसी बातें करते हैं, हम तो इस तरफ है एमपी साहब। एमपी साहब की, एमपी साहब की। आइए 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 एमपी बाबू आइए, अपना ठंडा हाथ से इस पंप का उद्घाटन कीजिए। मारिए सर मारिए, और मारिए सर और मारिए। एमपी साहब ये तो सिर्फ गैस निकल रही है, पानी नहीं निकल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप हटिए मैं मारता हूँ। मारो और मारो। ओ भाऊ, अरे तुम लोग तो रहता है एयर कंडीशन खुली में और गाड़ी में चलता है, बाहर आता है तो सिर्फ वोट मांगने। हा? अरे तुम्हारे मारने से पानी नहीं आएगा। हाँ अब तुम दोनों हटो, मैं मारता हूँ। जय गंगा मैया, आजा गरीब की प्यास बुझाने आजा। अरे गणेश भाई, ये उद्घाटन तुमने किया या इन्होंने? हार किसे पहना हूँ? अरे बुद्धू ला इधर, मैं अपने हाथों से पहनाता हूँ। आज मैं बेहद खुश हूँ, राजा भागीरथ ने हिमालय की चोटियों से गंगा मैया को हम तक पहुंचाया था, बिल्कुल उसी तरह जिसने आज धरती के गर्भ से पानी निकलवाकर आप लोगों तक पहुंचाया है। वो महान इंसान हमारे सामने आए, हम उसे मुबारकबाद देना चाहते हैं। सर 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 सर, यही वो 420 लुटेरा जिसने उस रोज मेरी सारी रिश्वत की कमाई में झाड़ू फेर दी थी, यही वो सुअर। लगता तो मुझे भी चालू 420 है। लेकिन खैर, भला इस वक्त इसी में है कि इससे हाथ मिला लिया जाए। पहले मैं, बाद में तुम। तुम जैसे युवा नेता से मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। आपने गरीबों का साथ देने का वादा किया था और पदली गली से निकल गए। अब ये लोग तो पिछले जन्म के किए हुए पापों का फल भुगत रहे हैं। ये पिछले जन्म के पाप नहीं है एक से मिले बाबू, बल्कि आपके धोखे और फरेब का श्राप है जो इन गरीबों पर बरस रहा है। क्या मांगा था इन लोगों ने आपसे? मर्सिडीज गाड़ी, एयर कंडीशन बंगले, बड़ी बड़ी इमारतें? कुछ नहीं, सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए दो रोटियां, सर छुपाने के लिए छत, शरीर ढांकने और आंसू पोंछने के लिए हाथ भर कपड़ा। क्या दिया आप लोगों ने? पीने का पानी तक नहीं। अगर गैरत है तो डूब मरो उस पानी में। आप लोगों ने मेरे पिता को सम्मान देने के लिए बुलाया या अपमान करने के लिए? ये चेतावनी देने के लिए बुलाया है कि आप जैसे लीडरों के झूठे वादों पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय अब हम हमारी भलाई चाहने वाले लीडर को खुद चुन सकते हैं। गणेश मिट्टल कोल्हापुरी, काय करना रे भाऊ? मैं इन लोग को बोला तुमको मान देने को तो मान दिया, अब ये बोलता है गाली दो तो गाली देता है। चलो ठहरो और सुनो, अपना अंदाज बदल डालो वरना मैं और जनता मिलकर तुम्हारा इतिहास बदल डाले। शाबाश बाबू शाबाश। साड़ी खराब हो गई तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई किसी की मौत पे रोता है। तो फिर मैं और क्या करूं? मैं नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रही थी, कितने दिनों के बाद बुलावा आया था। अब आप ही बताइए, मैं ऐसे कीचड़ से लथपथ साड़ी में जाऊंगी तो क्या वो मुझे नौकरी देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। हे भगवान, मेरी जिंदगी में मायूसी के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप घर में मेरी राह देखते होंगे, मैं उनसे क्या कहूंगी? खाली हाथ घर जाने के बजाय आत्महत्या कर लेना बेहतर होगा। यहाँ कहीं करीब में आपको किसी गहरे कुएं का पता है क्या? क्यों? मैं उसी में कूदकर आत्महत्या कर लेती हूँ। इससे पहले आप फिल्मों में काम करती थी? मैं रो रही हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है, मैं आत्महत्या।
नहीं मैडम, आत्महत्या बुजदिली है। हाँ बुजदिली है। हाँ देखिए, और आप तो जानती हैं हर मुश्किल का एक हल होता है। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो आपको इंटरव्यू में जाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। थैंक यू। तो फिर ये आइडिया जल्दी बताइए ना प्लीज। आप अपनी साड़ी उतारिए। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है एक मिनट के लिए आप झाड़ी के पीछे आइए। मिस्टर, क्या इरादा है तुम्हारा? आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप झाड़ी के पीछे जाकर साड़ी उतारिए, मैं अपनी पैंट और शर्ट उतार कर आपको देता हूँ। आप वो पहनकर अपने इंटरव्यू में जाइए, आपको अपनी नौकरी मिल जाएगी और वापस आकर मेरे कपड़े दे देना। व्हाट एन आइडिया। चलिए चलिए जल्दी उतारते, नहीं तो आपको देर हो जाएगी। आइए जल्दी उतार लीजिए। पहले तुम अपना शर्ट पैंट उतारो। आपने उतार लिया क्या? हाँ। ओहो। ये लीजिए। जरा लूज है। मर्दाना साइज के है ना? अरे आप तो अधनंगे हो गए। लीजिए मेरी साड़ी पहन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब वादा किया है तो सहना ही पड़ेगा। जाइए जाइए जल्दी जाइए। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी दी थी और इस कलयुग के कृष्ण ने देखो मुझे शर्ट पैंट दे दिया। ए मिस्टर दिलवाला, ये सब देखकर तो तुम्हारा सर चकरा रहा होगा ना? जानते हो मैं कौन हूँ? श्री सेवक राम सीतापुरी की बेटी। तुमने मेरे पिताजी को धोखा दिया और मैंने उसी का बदला तुमसे लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम उस लंगड़ुद्दीन की बेटी हो। तुम्हारा बाप तो सिर्फ टांग से लंगड़ा है, बेटी तो अकल की भी लंगड़ी निकली। ओ शट अप। आइंदा मेरे पिताजी के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो बाकी बच्चे बनियन और चड्डी भी उतार के रख दूंगी, समझे? मुझे इतना बेवकूफ समझती हो क्या? तुमसे मुलाकात होने के बाद उस लंगड़े के मामले में क्यों टांग अड़ाऊं? सोने की मूर्ति हाथ लग गई है, अब तो सिर्फ तुम्हारे मामले में टांग अड़ाऊंगा। चलो चलते हैं। अरे इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। क्या लड़की है यार, सर से पैर तक कत्ल का सामान है। आंखें जैसे मधरे प्याले, होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ियां और शरीर जैसे बीन पे लहराती हुई नागिन। कसम से यार, ऐसी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लड़की क्या है, अप्सरा है, अप्सरा। क्यों महाशय, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका नाम क्या है? सपना। कहाँ के रहने वाली है? इसी शहर के रहने वाली है। आप इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? क्योंकि वो मेरी बेटी है। पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अरे बैठो बैठो। अरे घबराओ मत, तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल सच बात कही है। हुस्न की हमेशा तारीफ की जाती है, बुराई नहीं। क्यों? हाँ जी हाँ। बैठो इधर। साहब के हिसाब में मेरे लिए चार पैग लार्ज। हम जिसे पसंद करते हैं उसे फौरन दोस्त बना लेते हैं। तुम किसी अमीर घराने के लगते हो। कौन हो तुम? मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूं। पद्मा चलो, मैं तो रेस्ट हाउस पहुंचते ही पहले खाना खाऊंगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है। भूख हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती है। पिछले जन्म में तू जरूर शैतान का पेट रही होगी। चल। अब क्या होगा? अरे लगता है बूढ़े का वक्त करीब आ गया है। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं। नहीं नहीं फंस जाएंगे।
अगर इसे अस्पताल ले गए तो पुलिस केस हो जाएगा। oh एक काम करते हैं, इसे रेस्ट हाउस ले चलते हैं। हाँ हाँ चलो, उठाओ इसे। तोबा तोबा, ये बुड्ढा कितना वजनदार है। बाप रे, ये बुड्ढा इतनी बुरी तरह क्यों कांप रहा है? लगता है इसे टेटनिस की बीमारी हो गई है। अरे पागल बच्चियों, अपना बकवास बंद करो, मुझ पर कुछ डालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे मूर्ख लड़कियों, ये तो सर्दी और बढ़ गई, और कुछ ना। और कुछ? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। अपनी अपनी साड़ियाँ निकालो और मुझ पर डालो, जल्दी करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं तो चला गुलगुल। ये बुड्ढा तो मर रहा है। अरे अरे, ये कौन तुम्हारे शरीर में जल जला रहा है? और कुछ डालो, और कुछ डालो। पद्मा, अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ। शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। तू इससे लिपट जा। थी? ये तो मर्द है। तो क्या हुआ? बुड्ढा है। जल्दी कर पद्मा। अगर ये मर गया तो तुझे जेल जाना होगा। ना पापा, मैं इससे लिपट जाऊंगा। जल्दी करो पद्मा। हाँ पापा। बूढ़े मिया, जरा आगे खिसको ना। ओके। अभी ले जल्दी। बूढ़े मियाँ, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। दाढ़ी चुभ रही है? कोई बात नहीं, तुमने हमारे लिए साड़ी निकाली, हम तुम्हारे लिए दाढ़ी निकाल देते हैं। यू स्काउंडरल, इडियट। कैसा रहा मेरा बदला?
नफरत करोगी दिल जो न दोगी मरना पड़ेगा हमें। सारे ही चुंबन सारे आलिंगन देखे वसीयत तुम्हें। मानी अगर बात रखूंगा मैं साथ रंगीन होगा सफर। बीवी बना लूंगा माँ भी बना दूंगा दोनों बताएंगे घर। मेरी तू हसीना तेरा मैं नगीना। मेरी तू हसीना तेरा मैं नगीना। आज मंजूरी तेरी चाहिए दुनिया दुश्मन बने तो बने तेरी मुझे दोस्ती चाहिए। मोहब्बत तुझी से मुझे क्या किसी से मुझे तो तेरी तेरी खुशी चाहिए तेरी खुशी चाहिए। ये बोर्ड क्या है? पढ़ना नहीं आता क्या? आता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि चावल कैसे खत्म हो गए। सरकार ने कम भेजे थे खत्म हो गए। गैर सरकारी चावल है 4 रुपए किलो, चाहिए तो ले लो। 4 रुपए किलो का ही चावल खरीदना होता तो हमें ये पीले और हरे रंग के कार्ड क्यों दिए? सरकार ने हमें राशन कार्ड दिया है, तुम्हें राशन देना ही पड़ेगा। हमारी राशन की दुकान पर भाषण देने आई हो क्या? अरे सरकार के पास कार्ड छापने वाली मशीन है, वो हर रंग में कार्ड छापती है, उसे क्यों नहीं जाके पूछती? हमारी भी तो मजबूरी समझो। अरे अगर सचमुच की मजबूरी है तो बंद कर दे दुकान और कहीं जाकर कोई दूसरा धंधा खोलकर बैठ जा। काहे को दूसरा धंधा खोलकर बैठ जाऊं भाई? मैं तुम्हारी तरह रोजगारी की कमाई खाने वाला मजदूर नहीं हूँ। तुम मजदूर नहीं हो बल्कि मगरूर हो। तू कौन है बे? तुम जैसे मगरूरों का गरूर तोड़ने वाला। इतनी मर्दानगी है तुझमें? अरे ओ बेईमानी के पिलपिले कद्दू, ये मेरा भाई है, अगर इसका कहीं एक हाथ पड़ गया ना तो राशन कार्ड की लिस्ट से तेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। अगर मैंने चावल नहीं दिया तो ये मुझे मारेगा और ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर घबरा कर चावल खाना छोड़ देगा। अरे भाई इसकी क्या जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आए रंगा साहब के लिए 4 बोरी चावल ले आना। जब तक एक आध चेहरे को सुझा कर तुम तरबूज न बना दो तुमको खाना हजम नहीं होता ना। चलो पुलिस स्टेशन। अरे ये क्यों आएगा पुलिस स्टेशन? वो बात बिल्कुल बंद नहीं रखूंगी। पता नहीं मेरे भाई को देखते ही तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग जाती है, क्योंकि जो बेईमानियां तुम ये वर्दी पहन के नहीं रोक सकते
मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे पति हुए तो क्या हुआ, ये तो बताओ कि तुम मेरे भाई को किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? इन लोगों पर हाथ उठाने के जुर्म में। मैं? मैंने किस पर हाथ उठाया? डोंट टॉक, मैंने अपनी आंखों से देखा। दीदी मैंने किसी को मारा? नहीं मेरे भैया। क्यों सेठ, मेरे भाई ने किसी को उंगली तक लगाई? इधर 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 देख कर बोलो तो कोई? जी नहीं, इन्होंने किसी को उंगली लगाना तो दूर रहा, किसी को उंगली दिखाई तक नहीं। तुम लोग इनसे डरो मत, सच सच बताओ तुमको किसने मारा? नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये जख्मों के निशान कैसे हैं? ये तो साहब, हम दोनों मचान से शकर की गोलियां उतार रहे थे, दोनों साथ में फिसल गए और एक दूसरे पे गिर गए। सुन लिया? और अगर नहीं सुना तो लाउड स्पीकर पे सुनाओ। शट अप। कहाँ से आ रहे हो? जीजा जी ने आपको नहीं बताया? क्या गुल खिलाकर आ रहे हैं आप? लो, ये भी इन्होंने आपको नहीं बताया। मेरी इज्जत और मेरे नाम पर बट्टा लगा के तुम्हें खुशी मिलती है ना? दिलीप, तुम्हारा और मेरे उसूल अलग है। तुम कानून की रक्षक हो और मैं तुम्हारे कानून और उसके किताबी उसूलों को नहीं मानता। इसीलिए जो मन में आता है सो करता हूँ। फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद भी बेकार फिर रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। ईमानदार भूखे मर रहे, कालेबाजारी मौज कर रहे हैं, दिन दहाड़े खून खराबा, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पुलिस को उनकी कमजोरियों का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि मैं खुद उन बदमाशों का मुकाबला करता हूँ। अरे वाह भैया, वोट डाला, क्या बोलो है? अरे मुन्ना, इनकी बात पे बिल्कुल बजा बजा। खामोश। रवि, तुम मुझे और मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। मेरे फैसले बहुत सख्त होते हैं, उन्हें जज्बात और रिश्तों की गर्मी कभी नरम नहीं कर सकती। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मोहन की तरह एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बनकर रहना होगा, वरना। तम्भी भाई, गणेश, मेरे तम्भी भाई। कौन है रे भाऊ? मैं एमपी राजशेखर, तुम्हारा समधी। आप मुझे बोल। हाँ समधी भाई, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे क्या बोलता भाऊ? मैं सच कह रहा हूँ गणेश भाई, शायद पंप के उद्घाटन के दिन मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को देखा था और उसी दिन से ये रट लगा रहा है कि अगर ये शादी करेगा तो गणेश भाई की जबुत्री के साथ, वरना जिंदगी भर कमारा रहेगा। अरे नहीं भाऊ, लोहे का टुकड़ा है, सोने के टुकड़े से कैसे जुड़ सकता है? ससुर, अरे मैं कमला से शादी महज आदर्श के लिए नहीं करना चाहता। उसे देखते ही मैंने ऐसा महसूस किया, इतनी भोली भाली लड़की अगर मेरी जीवन साथी बन जाए तो मुझसे भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गणेश मिया, सोच क्या रहे हो? अरे जब शादी करने वाले ही ने इतना सब कुछ कह दिया। अरे समस्या और सोच के सागर में क्या डूबे हुए हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100 की 100 इसको दे देता। मान जाओ गणेश मिया। मान जाओ ना गणेश भाई। मैं तू का मंतिस पूरी। पिताजी, अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। श्री राजशेखर जी अपने करीबी प्रतिद्वंदी श्री रतन कुमार जी से 30,000 वोटों से जीत गए। राजशेखर जी वाह, एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाकर अब इज्जत के मैदान में लंगा कर एक सीढ़ी नीचे गिर गए, मगर इलेक्शन के मैदान में 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। क्या राजनीति है! आपकी राजनीति को सेवक राम सीतापुरी सलाम करता है।
प्रणाम करता है। गिरे पड़े थे, मैंने कर लिया। एक छोटा सा प्लीज, एक छोटा सा। अरे संभल के। मेरे डैडी की हरकतों को देखकर आपको उनसे नफरत हो रही है। जो शख्स अपनी लड़की को क्लब में नचवाता है, उसकी कमाई शराब में उड़ा देता है, ऐसे शख्स से तो किसी को भी नफरत होगी। लेकिन लेकिन अगर ये आदमी 24 घंटे शराब नहीं पिएगा तो ये जिंदा नहीं रह सकता। इसकी मन की आग इसे जलाकर मार डालेगी। मन की आग? ऐसा कौन सा अन्याय हुआ है इनके साथ? जीवन साथी का दुख। इनकी पत्नी ने इन्हें धोखा दिया था। मतलब तुम्हारी माँ? हाँ, मेरे पिताजी गरीब थे इसलिए वो इन्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। इतना ही नहीं बल्कि जाते जाते मेरी छोटी बहन को भी मौत की नींद सुला गई। आप पहली बार मेरे घर आए हैं और मैं अपने परिवार की कहानी सुनाकर आपको परेशान कर रही हूँ। आप बैठिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं सपना, काफी देर हो चुकी है। हम अगर एक बात याद रखना, आज के बाद मुझे अपना एक हमदर्द, अपना दोस्त समझना। तुम लोगों को कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बगैर झिझक के कह देना। शुक्रिया, बाय। हाय पद्मा। हाय। गाड़ी खराब हो गई है? हाँ, वही तो ठीक कर रही हूँ। चलो मैं लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट? वो तो तुम पहले ही किसी लड़की को दे चुके हो। तुम्हारी सीट तो ऑक्यूपाइड है। ओ, तुम कमला की बात कर रही हो? वो शादी तो एक इलेक्शन स्टंट था। क्या? हाँ, तुम्हें बताया नहीं? मेरे डैडी ने कहा अगर इलेक्शन में गरीबों के वोट चाहिए तो तुझे कमला के गले में मंगलसूत्र बांधना पड़ेगा। मैंने बांध दिया और वो जीत गए। जीत गए इसलिए अब छोड़ दोगे? एग्जैक्टली। शट अप। आहा, जुबान पर जरा काबू रखो डार्लिंग। तुम्हारे और मेरे डैडी के एग्रीमेंट के हिसाब से बहुत जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है। हाथ हटाओ। शादी से पहले लोग रिंग प्रेजेंट करते हैं। मैं तुम्हें एक स्वीट स्वीट किस प्रेजेंट करूंगा। कौन है? तेरी स्वीट किस से पहले मेरा हार्ट हिट कैसा लगा बताता हूं। मुंह से नहीं, हाथ। तुम्हारा नाम? रवि। काम क्या करते हो? कोशिश तो बहुत की
लेकिन इस सरकार ने काम ना देते हुए बेकारी रखा है और इसीलिए तुम जुर्म की ओर निकल पड़े हो। जुर्म? कैसा जुर्म? तुमने रघु नाम के आदमी को मारा, क्या ये जुर्म है? इस संसार में मारते तो सभी हैं, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। जुर्म उगलवाने के लिए पुलिस मुजरिम को मारती है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कलम की नोक से आप मुजरिम की जिंदगी को मारती हैं, उसी तरह शराफत की राह से भटके हुए एक आदमी को इंसानियत याद दिलाने के लिए मार दिया, तो क्या जुर्म हो गया? सजा देने वाले तुम कौन हो? मैं इस पवित्र भारत देश का एक नागरिक हूं। यहाँ का समाज नारी को माँ और बहन के रूप में देखता है, और उसी समाज के गंदे जरासीम ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। कुमारी पद्मा को अदालत में पेश किया जाए। कुमारी पद्मा, कुमारी पद्मा। कुमारी पद्मा, रघु नाम के आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था? जी नहीं। साफ साफ बयान करो कि क्या वाकया पेश आया था। मैं और रघु एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं बल्कि पुराने दोस्त हैं। मेरे और उनके पिताजी के बरसों से राजनीतिक संबंध है। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु एक आदर्शवादी है। उन्होंने गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाया। उस दिन इस रवि ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ऐन वक्त पर रघु ने आकर मुझे बचा लिया और इस रवि ने गुस्से में आकर बड़ी बेरहमी से रघु को पीट डाला। कुमारी पद्मा का बयान सुनने के बाद अदालत मुलजिम रवि को मुजरिम ठहराती है और सेक्शन आईपीसी 351 के तहत 15 दिन की कैद या 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीदी, ये अन्याय है, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। साइलेंट, साइलेंट। अरे तुम्हारे साइलेंस के ऐसी की तैसी तुम्हारा तो मैं देखती हूँ। दीदी, दीदी ये क्या किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि वो? शोर मत मचाओ, ये कोर्ट चेम्बर है। अरे कोर्ट चेम्बर है तो मुझे क्या? मैं तो आज तक समझती थी कि मेरे पति के पास ही दिमाग नहीं है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रवि औरतों की कितनी इज्जत करता है। वो साली लुच्ची लड़की झूठ बोल गई और तुमने सच मान के रवि को सजा दे दी। हाँ, अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती, बोलो ना। ये 2000 रुपए जुर्माने की रकम भर दो और उसे छुड़ा लो। अरे दीदी तुम महान हो मेरी प्यारी दीदी, हजारों साल जियो। ठहरो, अरे ठहरो, अरे ठहरो बोलती हूँ ना। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए कि लगाई हथकड़ी और लेके चल दिए जीप में। बड़े आए मेरे भाई को ले जाने वाले, ये देखो रुपए लेकर आई हूँ। जुर्माना भर के अपने भैया को यूँ छोड़ा के ले जाऊंगी। चल रहा नहीं दीदी, मुझे जाने दो, मैं जेल जाकर ही रहूंगा। हाँ दीदी, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले झूठ और सच को ना पहचानते हुए मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं और इंसानियत के नाते जिनकी मदद करो वो भरी अदालत में झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेल चला जाऊं। रवि, घर के खाने में जरा सा नमक कम पड़ जाए तो तू खाना नहीं खाता, जेल का खाना तू कैसे खाएगा रे? दीदी, आज जब इतना बड़ा धोखा खा लिया तो जेल का खाना क्या मुश्किल है, खा लूंगा। चलिए। क्यों आई हो तुम? माफी मांगने। तुम्हें शायद धोखे देकर माफी मांगने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जानबूझकर गलती करने वालों को माफ कर दिया करूं। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरे पिताजी ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। तुम्हारे झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो बोल लो, किसी का घर बच सकता है तो बोल लो, लेकिन अदालत के कठघरे में खड़े होकर झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तुम अपने रिश्तेदारों को चाहने वालों को बचा तो सकती हो, लेकिन किसी बेगुनाह को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती हो। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे उस बात का अफसोस है, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुझे जानबूझकर की हुई गलतियों को माफ करने की आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम ये खाना तो खा लो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैंने तुम्हारी बहन को कहते हुए सुन लिया था कि अगर खाना मजेदार ना हो तुम बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। जिंदगी में पहली बार चूल्हे के करीब गई हूँ, देखो मेरा हाथ भी जल गया। अब भी नहीं लोगे? अच्छा मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक खाना तो एक तरफ, पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। ठहरो, रहना है सुख दुख संग सहना।
रहना मेरे सारी जिंदगी, तुझको पास पाके लगे प्यारी जिंदगी। सिहरन तन में कंपन मन में पाके परस तेरा, अंगों में फिर गंगन में नर्तन मिला बरस तेरा। साथ साथ रहना मेरे सारी जिंदगी, बात नहीं। तुम खाना पकाने के लिए अपना हाथ जला सकती हो तो क्या मैं खाना खाने के लिए अपना मुंह नहीं जला सकता? मजा आ गया बहुत अच्छा है। ले 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 ले। भाव साहब, आज आप उनके बारे में बहुत पूछताछ हो रही है, क्या असल बात क्या है? ऐसे ही वो अपोजिशन वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि एमपी राजशेखर ने दूसरी जात की लड़की को बिना दहेज के अपनी बहू बनाकर कौन सा बड़ा कमाल किया। अरे भाव साहब, कुत्ते का भो भो करने का, कौवे का काव काव करने का तो आदत होता है ना। इसीलिए मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। क्या मुंह में मिट्टी डालकर? नहीं, तुम्हारी बेटी के नाम पर, मेरा मतलब है अपनी बहू के नाम पर एक 5-स्टार होटल बनवाऊंगा 5 करोड़ की लागत का। इतना बड़ा एकदम फड़क दिशी बोल दिया आपने, अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो। बाप रे बाप, वो होटल किस शहर में बनाने वाले हो तुम्हें? किस शहर में क्या, इसी शहर में। कहाँ? तुम्हारी बस्ती में। पर उधर तो हम लोग के झोपड़े हैं भाव सर। अरे अपने रसूख से उन झोपड़े को तोड़वा डाल। उसके बाद ये गणेश विठल कोल्हापुरी जो मुश्किल से दिन में 5 रुपए भी नहीं कमा सकता, उसकी बेटी 5 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? नहीं, होटल बनाने की बात तो मजेदार है, लेकिन वो झोपड़पट्टी तोड़वाने वाली बात है ना, वो मेरे गले में मछली के कांटे के मापक अटक गई है। गणेश भाई, अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। हाँ, ये तो सच है। पर बाबू साहेब, अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3,000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। गणेश, एक बार फिर से सोच लो। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है भाव साहब, तुम्हारी गंदी बातों ने मेरा भेजा खराब कर दिया। उसे अब दारू से धो के साफ करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। याद रखना समधी भाव, तुमने गरीब इंसान को रिश्तेदार बनाया है, लालची इंसान को नहीं। क्या मेरे पिताजी की मदद से तुम लोग हमारी बस्ती के झोपड़े तोड़वाना चाहते हो और वहां मेरे नाम से एक 5-स्टार होटल खोलना चाहते हो? हाँ। ये तुम्हारा मेरे लिए प्यार है या तुम्हारी खुदगर्जी? कमला। हाँ, तुमने सोचा होगा कि मुझसे शादी करके तुम सारे गरीबों की हमदर्दी हासिल कर लोगे, और अब शादी के बाद तुम मेरे नाम से दौलत कमाना चाहते हो क्योंकि ये गरीब की लड़की दहेज लेकर नहीं आई। शट अप। तुम्हारी बुरी नियत का पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जिस दिन तुमने पद्मा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। बकवास बंद कर, वरना मुंह तोड़कर बत्ती से उखाड़ दूंगा। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं झोपड़ों से आई हूँ इसलिए तुम्हारा हर जुल्म सह लूंगी। कभी नहीं। आज तुम्हारे पिताजी से मैं ये पूछ कर रहूंगी कि खद्दर का सफेद लिबास पहनकर सीने में काला दिल रखकर वो गरीब जनता को कब तक धोखा देते रहे। देखिए ससुर जी, अपने बेटे का असली रूप। नीच, तुमने मुझ पर हाथ उठाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। आगे एक शब्द भी मेरे डैडी के बारे में बोला तो जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। तुम क्या मुझे दफन करोगे? तुम्हें और तुम्हारी झूठी इज्जत और झूठी शान और शौकत को बीच चौराहे पर मैं दफन करूंगी।
तुम्हारी गंदी सियासत को सारी जनता के सामने मैं दफन करूंगी। अगर ऐसा न किया तो मैं अपने माँ बाप की बेटी नहीं, इज्जती माँ की औलाद नहीं। बकवास बंद करती है या नहीं? ये बकवास नहीं है, ये मेरे दिल के जख्मों से बहता हुआ खून है। मैं इस एमपी राजशेखर के चेहरे से शराफत की ये झूठी नकाब नोच कर दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाऊंगी। जिन गरीबों के वोटों से ये लीडर बने हैं उन्हीं गरीबों के जूतों से मार भी खिलवाऊंगी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। तुम मुझे मार मार के मार भी डालो ना, फिर भी मैं सच बोलकर रहूंगी। शराब यू रास्कल, जो पर पट्टी की गंदगी, तेरी इतनी ये तो भर गई। अब क्या होगा? अब नीचे जाकर जल्दी से मिट्टी का तेल ले आ, इसे जला देते हैं और लोगों से कहेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली। हाँ, लेकिन डैडी हमारे घर में तो सब गैस के चूल्हे हैं, मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊं? अबे गधे की औलाद, कार में से पेट्रोल ले आ, जल्दी कर। हमें बचा लीजिए, ये लोग हमें जान से मार देना चाहते हैं। मिस्टर रघु, ये आपकी बीवी की लाश है? जी इंस्पेक्टर साहब। इनकी मौत कैसे हुई? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? चुप रहिए दोनों, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। बताइए। आत्महत्या, खुदकुशी कर ली। बोलता बोलता है इंस्पेक्टर, ये दिखावे के हाथ में, ये लोग आज मेरी बेटी को चलाया है इंस्पेक्टर साहब। एक मिनट मिस्टर रघु, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना हो, और गणेश बाबू आपको चलिए 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 आई चलिए हवलदार लैब को पोस्टमार्टम के लिए भेज। देख तो दीदी तुझे लेने आई है। बड़ी खुशी की बात है। क्यों रे, नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नहीं, तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपना फर्ज निभाया। अच्छा अच्छा, अब जेल के सामने खड़े होकर बहस करने से क्या फायदा, चलो घर चलते हैं। नहीं दीदी, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। चल चल, तू गुस्सा में बोल रहा है ना, मुझे मालूम है तू दीदी से बहुत नाराज है। नहीं, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगा अकेले। मतलब तुम अब इतने बहादुर हो गए हो? एक बार जेल जाकर आया हो ना, तुम्हें अपने परिवार से दूर रहकर क्या मिलेगा? मेरे कारण तुम्हारी इज्जत को बट्टा नहीं लगेगा। अकेले रहकर मेरे अंदर जो इंसान रहता है उसे जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने अंदर का इंसान अपने परिवार के इंसानों से ज्यादा प्यारा है? वो इंसान तो मुझे अपनी जिंदगी से भी प्यारा है। वो जिंदा है तो मैं हूँ, वो मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अच्छा बाबा, तो तुम मेरे घर शांति गाड़ी में बैठो। दीदी, जिसने अदालत में बिना डरे इतनी सख्त जबान में जवाब दिए वो यहाँ क्या नरमी दिखाएगा? रवि, ये बात सच है कि मैं तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ नहीं, लेकिन तुम्हें माँ का प्यार देकर बड़ा करने वाली तुम्हारी दीदी जरूर, और इसी नाते तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें सजा देने का और तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें प्यार करने का मुझे पूरा हक है, ये नहीं भूलना। हाय रवि। हाय। चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो रवि। अरे दीदी, ये वही लड़की है ना जिसने उस दिन भरे अदालत में ये कहा था कि रवि ने उसकी जबरदस्ती पप्पी ली? लेकिन दीदी, उसके बाद तो रवि जेल चला गया, फिर ये उसको कहाँ मिली? दोनों में प्यार कब हुआ?
मेरा तो माथा घूम गया, ये आजकल की लड़कियों पे तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नहीं, ये झूठ है, मैंने अपनी मर्जी से कमला से शादी की थी, फिर मैं उस देवी की कैसे हत्या कर सकता हूँ, ये मेरे खिलाफ साजिश है। ए नालायक, एक तो बेरहमी से मेरी बेटी का खून किया और ऊपर से दुनिया के सामने मगरमच्छ सरी का आंसू गिरा कर बचना चाहता है। मिस्टर रघु, तुमने सब इंस्पेक्टर सोहन को यह बयान दिया कि जब तुमने अपनी पत्नी की चीख सुनी तो तुम फौरन किचन की तरफ दौड़े, राइट? हाँ। उस वक्त तुम कहाँ थे? हॉल में। तुम वहाँ अकेले थे या कोई और था तुम्हारे साथ? मेरे पिताजी थे मेरे साथ में। तुमने एफआईआर में तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया? नहीं, मेरे पिताजी वहाँ बिल्कुल नहीं थे, मैं बिल्कुल अकेला था। लेकिन अभी अभी तो तुमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ थे। मैं जिस वक्त अपने पिताजी से फोन पर बात कर रहा था उस वक्त मैंने चीख सुनी थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ओहो, तो तुम ये कबूल करते हो कि जिस वक्त तुमने चीख सुनी तुम उसके बिल्कुल करीब थे, तो तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रही हो क्या, या पिछली जिंदगी की तस्वीरों को याद कर रही थी? अरे अपना सगा पति और सगी बेटी होने के बावजूद ये लावारिस बेसहारों की तरह जिंदगी गुजार रही हो। पुरानी यादें तो जताएंगी ही। मेरी बच्ची कैसी है? अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, मगर तुम्हारा छोड़ा हुआ पति, ये हाल है उसका। अरे होना तो ये चाहिए था कि इतनी बड़ी जज का पति होने के नाते तुम्हारे आलिशान बंगले में रहता, तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे साथ ठाट से बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता, मगर देखो पुराने कपड़े पहनकर सस्ती सी सिगरेट पीकर जिंदगी काट रहा हूँ। मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारे साये से बहुत दूर है। उससे मिलने को मन करता है ना? हाँ, तुमने उसे अपनी कोख से जन्म जो दिया, माँ के दिल के प्यारे से ममता तो छलकेगी। मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। तुम्हारी अदालत में कत्ल का एक केस चल रहा है कि एमपी राजशेखर के बेटे ने अपनी बीवी को जान से मार डाला। तुम्हें सिर्फ ये फैसला करना है कि उसने वो कत्ल नहीं किया। तुम्हारी मांग में चमकता हुआ सिंदूर, तुम्हारे जिस्म पर यह खूबसूरत रंगीन साड़ी आज इसलिए है कि तुम्हारा पति यानी कि मैं अभी जिंदा है, इसलिए अपने सुहाग को, अपनी शान और शौकत को जिंदा रखने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। करोगी तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी सुधर सकती है, और नहीं तो तुम अपनी बेटी की शक्ल जिंदगी भर नहीं देख सकोगी। इतने साल बीत जाने पर भी तुम्हारा ये रवैया नहीं बदला। जहरीले नाक के दांत उखाड़ दिए जाएं, तो भी वो डसने की कोशिश जरूर करेगा। तुम तो मुझे एक बार इस तरह डस चुके हो कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई, सब कुछ लुट गया। उस जहर का असर उतारते उतारते बरसों गुजर गए, मैं बेजान सी होते हुए भी जी रही हूँ। आज तुम फिर डसने आए हो, मेरी बेटी के लालच में मुझे कानून और इंसाफ का खून करवाना चाहते हो? हरगिज नहीं, मैं गलत फैसला कभी नहीं करूंगी। ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच लो। अगर मैंने ठान ली तो जिंदगी भर तुम अपनी बेटी की तस्वीर भी नहीं देख सकोगी। गेट आउट मत करो, मैं बड़ी हरामी चीज हूँ, किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। अरे अरे अरे, बस करो बस करो बस करो, क्यों तकलीफ दे दी हो चपरासी को? मैं खुद जाता हूं, तुम औरत नहीं पत्थरों पत्थर, समझी?
मैंने तुझे क्या करने के लिए भेजा था और तू क्या करके चला आया? मैंने तुझे मामला सुलझाने के लिए भेजा था और तूने जज को भड़काकर मामले को और भी उलझा दिया। एक बात बताओ मदन बाबू, तुम्हारी पत्नी ने तुमको छोड़ा क्यों यार? अरे इस वक्त ये बात पूछने की है क्या? जिस तरह तेरी पत्नी ने तेरी टांग तोड़ दी उसी तरह इसकी पत्नी ने इसको छोड़ दिया है? ये सब अपोजिशन वालों की उड़ाई हुई बातें हैं। अब आप भी इस पे विश्वास करते हैं तो मेरे सीने में सुइयां चुभने लगती हैं। मेरी टांग मेरी पत्नी ने तोड़ी तोड़ी थी, मेरी टांग तो आजादी की जंग लड़ते हुए टूटी थी। अरे जा जा, मुझसे बंडल मत फेंक, मैं तेरे को अच्छी तरह जानता हूँ। आजादी की लड़ाई के वक्त तू दारू की दुकान के सामने सीख कबाब बनाया करता था, मैं भूला नहीं। और मैं भूल गया हूँ क्या? तुम भी चड्डी बनियान पहन के उसी दारू की दुकान में चना बेचा करते थे। हानुष, मैं मुसीबत में फंसा हुआ हूँ और तुम हिस्ट्री दोहरा रहे हो। अरे घबरा मत, मैं तुम्हें एक ऐसे आदमी से मिलाऊंगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर कर देगा। कौन है वो? आपसे भी ज्यादा लुच्चा। नाम क्या? किंग कॉन्ग। नमस्ते जी। ये आंखें फाड़ फाड़ के तुम लोग अपन को क्या देख रहा है? अरे कुछ नहीं, हम तो समझे थे कि किंग कॉन्ग 7 फुट का आदमी होगा, 400 केजी वजन, 80 इंच की छाती, मोटे मोटे दंत और बड़ी बड़ी मूछें, लेकिन आप तो बिल्कुल दुबले पतले निकले। पतली तो तलवार भी होती है लेकिन जब आयान से बाहर निकलती है तो दूसरे की गर्दन काट के ही वापस अंदर जाती है। ये अड्डा अपन का मयान है और अपन इसकी तलवार है लेकिन जब अपन बाहर निकलता है तो दूसरा सीधा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। सर 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 सर, उस मर्डर केस के लिए हमने जो गवाह भेजा था वो भाग गया। हरामी साले। थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना, जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे थे तो कुत्ते की तरह बीच में आके पकपक करने लगा। ए साले जान। आया भाई जान। इस हराम घोर को किसी अस्पताल में जाकर फेंक दो और अगर बच गया तो इसके हाथ में 10,000 रुपए थमा देना और कहना कि आइंदा अपन को शहर में कभी नजर नहीं आए, और अगर मर गया तो इसकी फैमिली को 25,000 रुपए देकर सेटलमेंट कर लेना। चल फुट। बताइए आप लोगों का क्या केस है? कि वो एक गिलास पानी मिलेगा। छी 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 छी, सुबह सुबह और पानी, दारू पियो दारू। दारू? हाँ दारू। पीलो सर पीलो। झूठा है। अरे पीलो नहीं तो ये आदमी समझेगा हम लोगों को तमीज नहीं है और गिलास तोड़ के हम लोगों के पेट में घुसर देगा। पियो। अब बोलो क्या लफड़ा है तुम्हारा? जी वो मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का खून कर दिया है। तुम्हें? हाँ जी। उसका कहीं टांका भिड़ा हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो सीता थी। सीता? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इस देश में आजकल हजारों में एक सीता पैदा होती है और तुमने ऐसी पतिव्रता औरत को जान से मार डाला। छू निकलो यहां से कुत्ता, निकलो फट। सर सर। किंग साहब, इसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया था, उसने जरा सा धक्का लगाया कि वो टेबल से टकराकर मर गई। हाँ सर, और इसी बात को लेकर अपोजिशन पार्टी के लोग अखबार वालों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उस्ताद, वो राजनीति में हम लोगों को लंगड़ा बनाने के चक्कर में। ऐसे नाजुक मौके पर आप ही हमें भगवान का अवतार नजर आए हुजूर, तो सीधा उसको हमने जमानत पर छुड़ाया और आपके कदमों में हाजिर हो गए। ये तो सुनते ही नहीं। ए ढक्कन। आई आई आई। अपुन तुम्हारा केस टेकअप करता है। जी जी सर, हमें बड़ी खुशी हुई। अब आप बाहर चलकर उस जज से मिलकर हमारा मामला सुलझा दीजिए। बाहर? अपुन अगर बाहर निकलेगा तो कयामत हो जाएगी, या तो अपुन का मर्डर हो जाएगा नहीं तो सामने वाले का मर्डर हो जाएगा। मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून लालम ला। लेकिन सर हमारे केस का क्या होगा? अरे ये कहते अपुन को छोड़ो तुम। इस साले जान। आया भाई जान। सर वो रावण गुलाब को लेकर आओ। आज से ये तीनों तुम्हारे गोद लिए हुए बेटे हैं, इनका खाना पीना सोना होना सब तुम्हारे ऊपर। मगर ये पनिशमेंट कैसी? पनिशमेंट नहीं, सेटलमेंट।
वो जज खुद तुम्हारे बेटे को लेकर तुम्हारे घर पर आएगी और बोलेगी, एमपी साहब ये लो तुम्हारा बेटा, केस खलास, फिनिश। और अब तुम लोग बेफिक्र होकर यहाँ से फूट लो। हे, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अरे देखो, मैं जज सुमित्रा देवी का भाई हूँ, मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ ना क्या नाम है तुम्हारा? अरे ये बेचारी क्या नाम बताएगी, गूंगी है, भगवान ने इसे सब कुछ दिया पर आवाज देना भूल गया। ये यतीम और गरीब है, इसीलिए तुम्हारी दीदी ने इसे काम पर रख लिया। चल बेटी, पिछवाड़े चलकर मसाला पीसेंगे, आ जा चल। गूंगी लड़की, इस बार दिवाली के कपड़ों ने मेरा तो दीवाना निकाल दिया, 10,000 की टांग दे गए। अजी अपने बीवी बच्चों के लिए तो खर्च किया है, किसी और के लिए नहीं। मुझे उस बात का दुख नहीं है, दुख है तो इस बात का कि जब मैं एमएलए था तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाया करता था, कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती थी, अब सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। कुर्सी भी टांग दे गई, तू पानी लेकर आ, तुझे नहीं थे। बेचारा दुकान वाला मुझे शरीफ समझा, मैंने उसको 1,000 रुपए की टांग दे दी। चार, चार, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। कौन है? चार, अरे मैं आ रहा हूँ, अभी आया, आ रहा हूँ रे। कौन है? सुनते हो, रसोई में कोई चोर आ रहा है। पिताजी आप ऐसा कीजिए, अंदर जाके फौरन चोर को पकड़ लीजिए। नहीं बेटी, ऐसे मौके पे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू चोर को पकड़ के रख, मैं मेरी पिस्तौल लेकर आता हूँ। अच्छा? तू खड़े खड़े क्या मुंह दिख रही, जा पुलिस को बुला। हाँ। ए चोर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें मारूंगी, आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना। चोर मिल गया? मिल गया पिताजी। क्या कर रहा है? मुझे लूट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, ये घर लूट सकता है मगर तुझे कोई नहीं लूट सकता, मैं आ रहा हूँ। मगर उसको पकड़ के रखा है ना? हाँ पकड़ के रखा है, एकदम कस के, एकदम कस के पकड़ रखा है। पहले सियाना बनता है फिर फोड़ दूंगा, घूम इधर। भैया आपका दामाद, ये कहाँ से निकाला? लो, मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये लड्डू का नहीं है, पकड़ो चोर, चोर, अरे तू क्या कर रही है, पकड़ो उसको, चोर, चोर, पुलिस, पकड़ो, अरे कोई भी नहीं है, पकड़ो, पकड़ो, अरे पकड़ो चोर को, पकड़ो रे, चोर को पकड़ो, चोर से पकड़ो, देखो भाग चला चुरा के दिल मेरा, दिल्ला न दिल्ला न दिल्ला ना, कोई सुनो मेरा चिल्लाना, दिल्ला न दिल्ला न दिल्ला ना, कोई सुनो मेरा चिल्लाना। अरे दिल वालों का काम मोहब्बत, चोर न मुझको बना, मैं प्रेमी दिल वाला। अरे दिल वाला दिल वाला दिल वाला, मैं तेरा प्रेमी दिल वाला। अरे दिल वाला दिल वाला दिल वाला, मैं तेरा प्रेमी दिल वाला। को कोई मन को और कोई नैना चुराए, चोर है सारी दुनिया वाले अपने हो या पराए। मैं न करती तुझे पुलिस के हवाले,
दिलवाला दिलवाला मैं तेरा प्रेमी दिलवाला। दिलवाला दिलवाला हाँ मैं तेरा प्रेमी दिलवाला। चिल्लाना 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 कोई सुनो मेरा चिल्लाना। दिलवाला 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 मैं तेरा प्रेमी दिलवाला। चंपा देख सुन तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। देख चंपा एक मिनट मेरी बात तो सुन। ये खूबसूरत फूल तेरे बालों में लगाऊंगा और तेरे इन गालों पर एक मीठी सी पप्पी लूंगा। बापू मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ। इज्जत की देवी कानून की मूर्ति श्रीमती सुमित्रा देवी के घर या शहर के किसी घटिया सिनेमा हॉल में। नमस्ते जज साहिबा। आप जी? मेरा नाम एमपी राजशेखर। तशरीफ रखिए। चंपा इनके लिए कॉफी लेकर आओ। वाह आपके घर की कॉफी काफी मजेदार है। शुक्रिया आप जा सकते हैं। ठहरिए मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। आप मेरे घर पर एक एमपी की हैसियत से आए हैं इसलिए मैंने आपको इज्जत से बिठाया आपको कॉफी पिलाई। मगर अगर आप अपने बेटे के मुकदमे के सिलसिले में कोई बात करने आए हैं तो माफ कीजिएगा मैं अपने घर पर अदालत के मामलों पर बात नहीं करती। सुनिए मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। मैं इतना चालाक हूँ कि ब्रह्मा को पुतला दिखाकर उसमें जान डलवा सकता हूँ। अपनी चालाकी अदालत में दिखाइएगा। इस तरह आपका चले जाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अगर चाहूँ तो अंडमान में कोर्ट खुलवा कर आपका ट्रांसफर करवा सकता हूँ। मिस्टर एमपी आप उस औरत से बात नहीं कर रहे हैं जो चार दीवारी के बीच रहकर औरों के सुख के लिए अपने आप को कुर्बान कर देती है बल्कि उस औरत से बात कर रहे हैं जो काले कोट वालों के बीच रहकर इंसाफ के लिए जंग लड़ रही है और समाज में सच्चाई जिंदा रख रही है। कानून से टकराओगे तो पुर्जा पुर्जा होकर बिखर जाओगे। अपनी दौलत और अपनी राजनीति की ध्वस कहीं और जाकर दीजिए। ये मत भूलिए मिस्टर राजशेखर कि मैं एक जज हूं जिसके कलम से निकला हुआ एक लफ्ज मुजरिम को फांसी के तख्ते पर लटका सकता है। देखिए जज साहिबा अगर आपके हाथ में कलम है तो हमारी मुट्ठी में समाज है। हम चाहे तो चुटकियों में कानून बदल सकते हैं। आपकी मुट्ठी में समाज नहीं बल्कि उसकी कुछ कमजोरियां हैं जिसका आप नाजायज फायदा उठाते रहते हैं। आप कानून बदलवा सकते हैं उसे तोड़ नहीं सकते। आप मुझे धमकी देकर कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। याद रखिए इस जुर्म में आपको मेरे सामने हाथ जोड़कर अदालत के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। अदालत के कटहरे में खड़े होने के लायक आदमी तो आपके अपने घर में मौजूद है आपका भाई मोहन। जी हाँ वो आपकी इस नौकरानी चंपा से
गंदी गंदी हरकतें करता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और इस गंदे नाटक का मैं पूरे शहर में, अरे शहर क्या बल्कि पूरे देश में डंडोरा पीटूंगा। आप झूठ भी कहलवाना चाहेंगे तो भी नहीं कहलवा सकेंगे, क्योंकि चंपा गूंगी है, बेजुबान है। क्यों रे चंपा, तू गूंगी है, बोल नहीं सकती? आयु बाबा, कौन कहता है, मैं तो बोल सकती हूँ। ये तो जानती थी कि राजनीति में कुछ लोग बहुत ही नीच चाले चलते हैं, लेकिन इंसानियत से इतनी गिरी हुई चाल कोई चल सकता है, ये मुझे आज ही पता चला। चलिए, हमारे कारण आपको कुछ तो पता चला, लेकिन इसके अलावा और भी बातें हैं जो आपको बतानी है। चंपा, जरा न्यायमूर्ति साहिबा को वो मूर्तियां दिखा दो। अब तो सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे बेटे को बेकसूर बताकर रिहा न किया तो ये तस्वीरें देश के सब इम्पोर्टेंट अखबार के फ्रंट पेज पर प्रिंट हो जाएंगी। वैसे मैं आपकी मदद ये मुफ्त में नहीं मांग रहा, मुंह मांगी कीमत दूंगा। हेलो, आईजी साहब को कनेक्शन देना। नमस्ते, मैं जज सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। कल शाम मेरे भाई मोहन की शादी हो रही है। दुल्हन हमारी नौकरानी चंपा। हाँ हाँ जी हाँ, लव मैरिज जैसा ही कुछ है। आप दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। कुछ लोग सांप के डसने के डर से उसे प्रणाम करते हैं और कुछ लोग उसका सर फोड़कर उससे छुटकारा पाते हैं। आप लोगों को धोखा देकर राजनीतिक बने, लेकिन मैंने इंसाफ की सेवा करके जज की कुर्सी पाई। चंपा को पैसे देकर इस घर में मैंने जासूसी के लिए भेजा था, आपने कैसे सोच लिया कि वो आपकी बात मानकर इस शादी के लिए राजी हो जाएगी? अच्छा चंपा, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप जैसी देवी के घर में बहू बन के आओ। अरे हट जाओ, निकल जाओ यहां से। क्यों एमपी साहब, काय को कड़के भूखे नंगे के माफिक भड़क रहे ले हो? अरे तो और क्या करेगा, तुम्हारी वो लड़की चंपा का दार निकली। जब जज सुमित्रा ने उससे पूछा कि वो उसके भाई से शादी करेगी तो हाँ कहकर अपोजिशन पार्टी से मिल गई, मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आज एक औरत पर भरोसा करके अपने जिंदगी में फर्स्ट टाइम धोखा खाया है। अरे जहन्नम में जाओ तुम और तुम्हारा धोखा, मेरे बेटे का क्या होगा, क्या वो फांसी पर लटक कर ही रहेगा? भगवान श्री कृष्ण पर पांडुओं ने भरोसा करके अभिमन्यु को खो दिया था, लेकिन अपन में भरोसा करने वाले की जान तो एक तरफ, कोई उसका बाल भी नहीं उखाड़ सकता। अरे लेकिन कोई तुम पर भरोसा करे कैसे, वो जज की बच्ची कल मुकदमे का फैसला सुनाने वाली है। नहीं सुनाएगी। अरे जरूर सुनाएगी। नहीं सुनाएगी मतलब नहीं सुनाएगी, है साले जान। आया भाई जान, लोग कहते हैं ना तो अपना किसी पे उधार बाकी रखना चाहिए और ना ही अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ना चाहिए। कल सुबह जज सुमित्रा देवी को खूनम खून नानम लाल।
जज साहिबा, पहचाना मुझे? याद है एक बार एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए मैंने एक गुंडे को मारा तो आपने मुझे 15 दिन कैद की सजा दी थी, और आज मैंने एक जज को बचाने के लिए कई गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। कहिए आज मुझे आप कितने दिन कैद की सजा देंगी और मुझे कितने 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा? आज शाम को तुम्हारे भाई मोहन का ब्याह है, घर आ जाना। नमस्ते एमपी साहब, शादी हो गई। वैसे आपको शादी का निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। जी वो हमें निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत है, इस इलाके के सभी बच्चे हमारे बेटे बेटियों के समान हैं। इन सब के दुख सुख में शरीक होना तो हमारा कर्तव्य है। और मैंने भी सोचा कि बुलाने पे तो सभी आते हैं, असली तो वही आते हैं जो खुद से चले आते हैं। और सुना आपके यहाँ शादी में खाना अच्छा खिलाते हैं। दादा, दादा। ड्राइवर कल्पना गेस्ट हाउस चलो। साहब हम कब बुलाएं? हाँ वॉचमैन जी, यार कोई बढ़िया सी शराब पिलाओ। जी साहब। अरे सलाम साहब। अरे साहब ई का आप काहे तकलीफ किया, हम का बताते, ई खरीदी हम बाजार से करके ला देते जी। नहीं कोई बात नहीं, यूं ही चला गया था, सोचा इसी बहाने थोड़ी सैर हो। पत्रा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो क्या? लगता है हमें यहाँ देखकर तुम्हें कुछ याद आ गया है। तुम समझे ये लड़की अपना जिस्म दिखाकर पेट भरती है, तो अपना जिस्म बेचकर रुपए भी कमाती होगी, और यही सोचकर तुमने मुझे धोखा दिया ना? धोखा? सपना ये तुम क्या कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम मेरे हमदर्द हो। मेरे जन्मदिन पर तुमने तोहफे की शक्ल में मुझे फूल दिए, मेरे दिल में इतनी उम्मीदें जगाई, और आज तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली। लेकिन लेकिन सपना मैंने तुम्हें कभी भी इस नजर से नहीं देखा। मैं जानती थी तुम्हारे मुंह से एक दिन ये अल्फाज जरूर निकलेंगे। मिस्टर मोहन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे इस धोखे का ऐसा जवाब दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। सपना सुनो तो मेरी। अरे चलो सपना, हमें इससे क्या लेना देना, अब चलो। शाबाश बेटी, क्या नाटक खेला तुमने, मोहन के छक्के छुड़ा दिए। मैं कहता हूँ उसके कदम डगमगा गए। लेकिन डैडी, हम लोग कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे ना? कभी भूल कर भी इस तरह मत सोचना। आज से 15 साल पहले अगर वो शैतान औरत भी इस तरह सोचती तो हमारी जिंदगी तपते हुए रेगिस्तान की तरह ना होती। खैर तू जाकर आराम से कमरे में सो जा, मैं उनका जीना आराम कर दूंगा। Me.
खून बाहर आ गया है और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर, मर्डर, खून, खून, लालम लाल। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है, अपन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को अलग कर डाल। नहीं नहीं, तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देना है, सेब पर चाकू लगा देना है, तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू, नहीं तो अपन तेरा मर्डर कर देगा। चाकू काफी तेज है ना, इससे सेब भी काट सकते हैं और आदमी का गला भी, है ना? ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, लगता है हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अगर कहीं कोई अनहोनी बात हो जाए तो? ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। ये चाकू मुझे दीजिए। इसे मेरे ही पास रहने दो। आदमी के बारे में कह रही थी? जी हाँ, मैं और मोहन एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इनकी बहन ने इनकी शादी जबरदस्ती अपनी नौकरानी चंपा से कर दी। ये अपने हनीमून पर जा रहे थे और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं इनसे मिलने गेस्ट हाउस पर आ जाऊं। मैंने अपनी आंखों से देखा इंस्पेक्टर साहब कि ये चंपा से विनती कर रहे थे कि वो इन्हें तलाक दे दे, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इन्होंने गुस्से में आकर उसे चाकू घोप दिया और वो मर गई। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है, मैंने उसका खून नहीं किया। सपना, सपना मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे फंसा कर तुम्हें क्या मिलेगा? इंस्पेक्टर साहब, इसकी बात का यकीन मत कीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, इसे मत लिखिए, झूठ बोला है इसने, मैंने जो कहा वो सही है। नमस्ते जज साहिबा, कैसा लगा ये नया मुकदमा? मेरे बेटे का मुकदमा आपकी अदालत में है क्योंकि उसने अपनी पत्नी का खून किया है, और आपका भाई पुलिस की हिरासत में है क्योंकि उसने भी अपनी पत्नी का खून किया है। इंसाफ के तराजू में दोनों के जुर्म बराबर वजन के हैं, इसलिए अगर मेरे बेटे को फांसी हो गई तो यकीनन आपके भाई को भी फांसी हो जाएगी, और अगर आपने मेरे बेटे को रिहा कर दिया तो आपके भाई की रिहाई की तरकीब मैं आपको बता दूंगा। दैट्स माय पॉलिटिक्स। शेखर, मेरे भाई को खून के इल्जाम में फंसाकर तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारे चक्रव्यूह के जाल में मेरा भाई अभिमन्यू की तरह फंस गया है, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए रवि अभी तक जिंदा है। तुम्हारे सारे प्लान मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा कर अगर चक्की ना पिसवा दी तो मैं भी अपनी बहन सुमित्रा देवी का भाई नहीं हूं, और यह तुम याद रखना
और हाँ, अगर तुम्हारे पास पॉलिटिक्स है तो मेरे पास भी पॉलिट्रिक्स है। अचानक बिजली चली गई और मैंने मोमबत्ती जलाकर रोशनी करने की कोशिश की, उसी दौरान किसी ने तकिए के नीचे से चाकू निकाल लिया और चंपा का खून कर दिया। कत्ल से पहले तुमने उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ा होगा, इसीलिए तुम्हारी उंगलियों के निशान उस पर मौजूद हैं। लेकिन मैंने चंपा का खून नहीं किया। ये खून किसने करवाया, क्यों करवाया, ये हमारी बड़ी दीदी बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन कानून पर भरोसा करने वाली हमारी बहन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो कानून को तोड़ने वाला राजनेता है। मैं अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी और अपनी कानून नवाजी के बल पर मोहन को छुड़ा कर रहूंगी। आपके कानून और उसके उसूल तो आम इंसानों के लिए बने, सीधे साधे लोगों को सजा दे सकते हैं, लुटेरे और बदमाशों को नहीं। उनके लिए तो सिर्फ एक ही उसूल है, कांटे को निकालना हो तो कांटा इस्तेमाल करो, और उसी उसूल के बल पर मैं उस पापी की गर्दन पकड़ कर तुम्हें दिखाऊंगा। नावी, जज्बात और गुस्से में आकर कहीं जुर्म मत कर बैठ। अगर जरूरत पड़ी तो जुर्म भी करूंगा, कानून को हाथ में लूंगा, लेकिन कानून के हाथ नहीं आऊंगा, और किसी भी तरह अपने भाई को रिहाई दिलाकर। अगर ये रास्ता अपनाओगे तो अपने भाई को आजाद कराना दूर की बात, खुद कैद हो जाओगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ओ मोरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ओ मोरे सपनों की रानी कब है? आप यहाँ के वॉचमैन हैं? हाँ, हम वही हैं। जिस दिन यहाँ खून हुआ आप यहाँ थे? अरे मोरे मैया, अरे का मुसीबत है, हमरी तो जिंदगी हराम हो गई। अब तक 500 पुलिस वाले आए के यही सवाल दोहराए दोहराए के हमरा भेजा चाट गए हैं। आप कौन है, नारी पुलिस वाली है का? नहीं, जज। अरे बाप रे, माफ करना मेम साहब, नमस्ते। देखिए, मैं यहाँ जज की हैसियत से नहीं, एक आम औरत की हैसियत से आई हूँ। मुझे सच सच बताइए, उस कत्ल की रात यहाँ कौन कौन था? कौन कौन था? जिसका खून हुआ वो लड़की, ऊ का पति और एक नचनिया यहाँ थी है। उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं था? नहीं मैम साहब, और कौनो नहीं था। देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, आपकी गवाही एक बेकसूर इंसान की जान बचा सकती है। हम सच बोले थे मैम साहब, और कौनो नहीं था, आपके सर की कसम। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ, हम वही हैं। उस कत्ल वाली रात, अरे मोरे मैया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम मर जाएंगे, हमारा सर फट जाएगा। आप कौन है साहब, सीआईडी वाले हैं का? नहीं। अरे भैया, तो फिर काहे को पूछताछ करने चले आए हैं? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। का जानना जरूरी है? कि उस रात को यहाँ कौन कौन आया था। अरे भैया, कौन आवत है कौन जावत है, इससे तुमको का लेना देना है? मामला बहुत गर्म है। ए भैया, जरा बाजू में आ जाओ, काहे के दीवारों के भी कान होते हैं। आवा आवा। देखा दीदी, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कदम पर ही कामयाबी मिल गई। मैंने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से वो पा लिया जो तुम ईमानदारी और कानूनी तरीके से ना पा सके। बाय। सपना, सपना, पथरा क्यों गई?
तस्वीर खिंचवा रही हो क्या? लगता है सच्चाई ने तुम्हारे गले को पकड़ लिया और आवाज को बंद कर दिया, ये जानकर कि सपना और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बेटी है। मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सपना से मिलने आई हूँ, जिसकी जिंदगी तुम अपनी नालायकी और खुदगर्जी की वजह से बर्बाद कर रहे हो। शट अप, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी अदालत के कठघरे में खड़ा एक मुजरिम हूँ। अरे मैं तो एक एक्स जज का एक्स हस्बैंड हूँ, समझे? सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए तुमने सपना को माँ की ममता से महरूम रखा, मेरे खिलाफ उसके दिल में जहर भर भर के उसे बड़ा किया, और आज इस मासूम को ये भी नहीं मालूम कि वो किसके खिलाफ गवाही देने जा रही है। अरे वो जानती है, मेरे सामने जो खड़ी पत्थर दिल औरत उसकी माँ है, और वो जो जेल गया था तेरा भाई है। सपना सब कुछ अच्छी तरह जानती है। तुम्हारे गुरूर तुम्हारे घमंड को पैरों तले रौंद कर पाश पाश करने के लिए हम बाप बेटी ने ये नाटक खेला था, और जिसका नतीजा है तुम्हारा पत्थर दिल पिघलने लगा, तुम्हारी आंखें भर आई और तुम समझौते पर उतर आई। मैं यहाँ तुमसे हाथ जोड़कर कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि सपना के दिल में तुमने जो जहर भरा है उसे निकाल कर उससे सच कहवाने आई हूँ। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अपनी बेटी का दिल कैसे बदलना है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, वो कभी नहीं बदल सकती। मुजरिमों को बदलना मेरा पेशा है, मुजरिमों को पैदा करना मेरा पेशा है। आज एक बार फिर तुम अपनी जिंदगी में हार दिखोगी, तुम ये बाजी कभी नहीं जीत सकती, कभी नहीं। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। रवि, रवि। महादेवी, लंगड़े बाप की चालाक बेटी, अब क्या रवि ने फिर पप्पी ली है, ये शिकायत करने आई हो? देखिए मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मेरे पिताजी ने कहा था या माताजी ने, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बात याद रखना कि फिर किसी जाल में मेरे भाई को फंसाने की चाल चलेगी ना, तो टांग तोड़कर तेरे बाप की तरह तुझे भी लंगड़ा कर दूंगी। हाँ। हाय पद्मा। हाय रवि। हाय हाय, कितने प्यार से, कितने भोलेपन से हाय करती है, पहले करती हाय फिर जेल पहुँचाए, और एक तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने साल हो गए हमारी शादी हुए, एक बार भी प्यार से कहा हाय शांति? जब देखो तब ए शांति इधर आ, ए शांति उधर जा, हमेशा परेड करते रहते हो मेरी। तुमसे हजार बार कहा है कि मौका देखकर बात किया करो, भरी महफिल में जूते चलाना शुरू कर देती हो। अरे पहले पद्मा से पूछो तो सही कि वो यहाँ किस लिए आई है। हाँ भाई, किस लिए आई है? मैं आप लोगों के लिए एक जरूरी खबर लाई हूँ, मेरे पिताजी और राजशेखर ने उस डांसर से झूठा बयान दिलवाया, और ये उनको कहते हुए मैंने अपने कानों से सुना। क्या तुम सच कह रही हो या तुमको भी अपने बाप की तरह पार्टी बदलने की आदत है? जीजाजी क्यों खामोखा इस बेचारी को डांट रहे हो? पद्मा तुमने ये बातें खुद सुनी थी? हाँ, जब ही तो मैं भागे भागे तुम लोगों को खबर करने आई हूँ। जीजाजी आप अपनी वर्दी को कांजी लगाकर कड़क करवा लीजिए, तब तक मैं उस डांसर सपना के दर्शन करके आता हूँ। Thank you.
बदला लेने के लिए झूठ बोला है। लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो जल्लाद है, जालिम है। उसने मुझे जिंदगी भर माँ के आंचल से दूर रखा, मुझे एक बार मौका नहीं दिया कि मैं उसे माँ कहकर बुला सकूं। ये झूठ है, उस शराबी की झूठी और मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करके तुम अपनी ही माँ पर छुरियां चला रही हो। ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, तुम खूनी हो क्योंकि तुमने मेरी छोटी बहन की जान ले ली। तुम धोखेबाज हो क्योंकि तुम मेरे पिता को छोड़कर किसी और आदमी के साथ भाग गई। तुम क्या जानो तुम्हारा बाप कितना नीच इंसान है। उस धोखेबाज ने तुम्हें मुझसे कैसे जुदा किया, तुम्हारी बहन मौत के मुंह में कैसे चले गई और मेरी जिंदगी कैसे वीरान हो गई तुम्हें क्या मालूम। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, सुनो। मैंने तुम्हारे बाप से एक शरीफ और इज्जतदार आदमी समझकर शादी की थी, मगर दो बच्चों को जन्म देने के बाद मुझे उसकी असलियत का पता चला। उसे नौकरी से रिश्वत देने के जुर्म में निकाल दिया गया था। मेरी वकालत की कमाई उसके मन के शैतान की आग को बुझा नहीं पाती थी क्योंकि वह बुरी आदतों का गुलाम बन चुका था। और फिर पैसे की लालच में उसने लड़कियों की दलाली शुरू कर दी। यह मैं नहीं सह सकी, मैं अपने आपे में नहीं रही और मैंने उसे पूछा। हाँ, मैं लड़के सप्लाई करके रुपए कमाता हूँ, तुम कौन होती हो सवाल पूछने वाली। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम एक मशहूर वकील हो, फिर सारे रुपए कमाती हो।
लेकिन तुम अपनी सारी कमाई बहन भाइयों पर खर्च कर देती हो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। लेकिन आज के बाद आप ऐसे नीच धंधे नहीं करेंगे। तो फिर इन भिखारियों की फौज को बाहर निकालो। आज के बाद इनके पेट में इस घर का एक भी दीवाला नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये कोई यतीम बेसहारा नहीं, ये मेरे अपने भाई बहन है। लेकिन मेरे लिए ये बोझ है। जब तक ये लोग मेरे घर में रहेंगे मुझे सुकून नहीं मिलेगा। निकाल दो इन्हें। कभी नहीं, ये मासूम बिन माँ बाप के बच्चे हैं, इनकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम शादी से पहले अच्छी तरह जानते थे, अगर उस वक्त तुम इन बच्चों के बारे में कोई सवाल करते तो मैं तुम्हारे हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरवाने के लिए अपना सर कभी नहीं झुकाती। लेकिन अब तो कह रहा हूँ ना, इन्हें निकालते हो कि नहीं? ये नहीं जाएंगे। अरे कैसे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो मार मार के निकालो। इस तरह उस रोज तुम्हारे पिता घर से चले गए। फिर एक दिन उन्हें लड़कियों की दलाली के जुर्म में गिरफ्तार करके अदालत में लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। वे भोली भाली लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते थे, इसलिए मैंने सच्चाई और कानून के उसूलों की राह पर चलते हुए उन्हें सजा दिलवाई। जेल से रिहा होने के बाद वे गुस्से में भरे हुए घर आए। बेशरम, मेरी पत्नी होकर मुझे बचाने की बजाय उल्टा मुझे मुजरिम साबित करके जेल भिजवा दिया। अगर तुझे मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तेरी जरूरत नहीं, और मेरे बच्चे को भी तेरी जरूरत नहीं। पटकर मार दूंगा। आगे मत बढ़ना, जमीन पर पटक कर मार। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। ये बच्चे के बच्चे को कहां ले जा रहे? मैंने जान से मार दूंगा या कुछ भी करूंगा तुझे से क्या? आगे बढ़ेगी, मैं तेरी बच्ची को जान से मार दूंगा। अभी बाप का, जिसने मेरे लाख बिनती करने पर भी मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, या उस अदालत का जिसने एक मां की आंसुओं की परवाह न करते हुए तुम्हें एक जालिम के हवाले कर दिया? बोलो, जवाब दो। बेटी, किस बात का बदला लेना चाहती है तू अपनी माँ से? ठीक है, ये वकील से जज बन गई, लेकिन अपनी बेटी से दूर रहने के गम में ये हमेशा आंसू बहाती रही। क्या यही इसका जुर्म था? Oh, my God.
हेलो बेटी सपना, मैं एमपी राजशेखर बोल रहा हूँ, जरा रवि को टेलीफोन देना। तो आ गए मिस्टर रवि, अगर तुम बहादुरी में हीरो हो तो मैं राजनीति में हीरो हूँ। ये मत समझो कि तुम सपना को कलम से अगवा करके मुझसे जीत गए। मैं वोटर नहीं जिसे लीडर बेवकूफ बनाता है, मैं वो लीडर हूँ जो वोटर को बेवकूफ बनाता है। एक बात और सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि सपना तुम्हारे साथ मिलकर अदालत में हमारे खिलाफ गवाही देगी तो तुम्हारा ये सिर्फ एक सपना है। सपना को अदालत तक पहुंचने से पहले मैं अगवा करवा लूंगा। टाटा, चिरियो, बाय बाय। नमस्ते, तुम्हारे प्लान की टांग टूट गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चल, चल। अरे अरे गधो, इसको उठाकर यहाँ क्यों ले आए? वो रवि का बच्चा, इसको तलाश करते हुए सबसे पहले यही पहुंचेगा। ले जाओ इसे, गिन गोंगी जंगल में भागो, भागो। पांच गुंडे मिलकर एक लड़की को उठाकर ले आए, शर्म नहीं आती? हिजड़े कहीं के। अरे हिजड़ों को कभी कमजोर नहीं समझना, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी भी हिजड़ा था और जब उसे भीष्म पितामह जी के सामने लाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अगर तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक लड़की का खून करके पाप के कीचड़ में गले तक धुसे हुए हो, अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो? देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, सुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हरे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या? अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिश बनाओ। अबे ओ ठहरो, सपना तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? छह। पांच चूड़ियां तो इन पांच चमचों को पहना दूंगा, ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। चल। अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर ना जाने भाई। अच्छा तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे, और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स अ चैलेंज। Thank you.
नीचे कूदो। अरे कूदो रे, टांग की परवाह मत करो, टांग टूट जाएगी मगर नाक तो रह जाएगी। अरे कूद रे। थोड़ी देर और इंतजार करो, ये चूड़ी हथकड़ी बनकर तुम्हारे हाथों से लिपट जाएगी। तुम हमारा घर लूट के अपना त्योहार मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारे एमपी साहब को नहीं जानते हो, अगर ये सूखा कपड़ा निचोड़ ले तो उसमें से भी पानी निकल आता है। हाँ। ये मुझे निचोड़ेगा। हाँ। ये मुझे निचोड़ेगा। अरे बचाओ रे, मर गया। अरे प्यारे एमपी भाई, मैं इलेक्शन में हार गया मगर फिर भी आपके साथ कौवे की तरह काहे काहे करता फिर रहा हूँ। मुझे कौवे से चिमगादड़ मत बनाइए, मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए। सुनिए सुनिए, ये केस तुम जरूर जीतोगे, समझ गए? आज जज साहिबा डिफेंस लॉयर बनकर अपने भाई की वकालत करने जा रही हैं। इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रोसीड। तुम्हारा नाम सपना है? जी। तुम उस मुलजिम मोहन को जानते हो? जी। तो क्या तुमने मोहन को अपनी बीवी चंपा का कत्ल करते हुए अपनी आंखों से देखा था? नहीं। योर ऑनर, ये पॉइंट नोट किया जाए। तो फिर तुमने पुलिस की रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा कि वो कत्ल तुमने अपनी आंखों से देखा था? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। मेरे पिता ने जिंदगी भर झूठ बोला है और झूठ बोल बोल कर मेरे दिल में जहर भरा है। वो एक नंबर का झूठा है। ये झूठ है, सरासर झूठ है। आप कौन है? मैं इस गवाह का बाप हूँ। योर ऑनर, मैं इस गवाह के पिता से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू। आपका नाम? मदन। आप काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करता था। था? इसका मतलब है आप अभी कुछ काम नहीं करते? नहीं, मेरी नौकरी छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्वत ली थी और सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी बेटी के कहने के अनुसार तुम एक बदमाश और झूठे आदमी हो। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इनके रिश्वत लेने का इनकी बदमाशी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, इस मुकदमे की खास गवाह मिस सपना का ये कहना है कि उसने अपने पिता के कहने पर झूठी गवाही दी और उसने ये भी कहा कि उसका पिता एक बदमाश आदमी है। सरकारी मुलाजिम होते हुए भी रिश्वत लेने के जुर्म में मिस्टर मदन का नौकरी से निकाले जाना सपना की इस गवाही को और भी मजबूत बनाता है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मदन लाल शर्मा, मेरा मतलब है मिस्टर मदन, आपकी बेटी के कहने के अनुसार आप बदमाश है, क्या ये बात सच है? नहीं। आपकी पत्नी क्या काम करती है? मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने उसे तलाक दे दिया। ये पॉइंट भी नोट किया जाए योर ऑनर, ये गवाह सिर्फ रिश्वतखोरी नहीं, इसने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है। वकील साहिबा, पत्नी को तलाक देने वाले सभी आदमी बदमाश नहीं होते। अच्छा, शादी का मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानता। बीवी का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शादी का या बीवी का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक है। ताल्लुक है योर ऑनर, मैं इन सवाल से इनके अंदर छिपे इंसान और इनकी जहनियत की तस्वीर अदालत को दिखाना चाहती। मेरे मुवक्किल पर यह इल्जाम है कि इसने शादी की पहली रात अपनी पत्नी का खून किया, मगर इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर यह साबित किया है कि ये खुद नहीं जानते ब्याह किसे कहते हैं, पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। योर ऑनर, मुझे यही बताना था कि अदालत की नजर में ऐसे आदमी की बातों की अहमियत क्या हो सकती है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। चंपा का कत्ल मोहन ने किया इसे झूठी गवाही देने के लिए तुमने अपनी बेटी सपना से कहा था? नहीं, मैंने नहीं कहा था। सपना तुम्हारी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। तो फिर उसे अपने बाप के खिलाफ झूठ बोलने की क्या जरूरत? खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, आप यहाँ गवाही देने आए। आपकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा बताइए? मुझे नहीं मालूम। कत्ल की रात आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे, राइट?
पथरा क्यों गए? तस्वीर खिंचवा रहे हो? जवाब दो। नहीं, मैं वहां नहीं था। तुम वहां गए थे, अपनी बेटी के साथ एक दूसरे कमरे में तुम मौजूद थे। नहीं, हम नहीं थे। आप वहां थे मिस्टर मदनलाल। ये झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। इसका क्या सबूत है? सबूत वहां देखिए। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि कल्पना गेस्ट हाउस के वॉचमैन मिस्टर नारायण को विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। मिस्टर नारायण जी, जिस रात चंपा का खून हुआ उस रात गेस्ट हाउस में कौन कौन था? ई साहब, ए का पत्नी ए कमरा माजी और ऊ दाढ़ी वाला और ऊ का बिटिया बाजू का कमरा माजी। तो क्या मोहन ने चंपा का कत्ल किया? अरे मोरी मैया, ई साहब ऐसा नहीं है जी। ऊ साहब उस रात ई का कमरा का बाहर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ चक्कर काट रहे थे जी। थोड़ी देर में एक खतरनाक किस्म का आदमी आया जी और ई का कान में कुछ खुसर फुसर करके चला गया जी। ये साफ जाहिर है योर ऑनर कि ये कत्ल सोच समझ कर जानबूझकर मोहन को फंसाने के लिए किया गया है। दरअसल असली कातिल है ये मदन लाल। नहीं सरकार, मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने ये कत्ल नहीं किया। तुमने किया। तुम खूनी हो, तुम चोर हो। देवरात के लालच में तुमने चंपा का खून किया। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, मैं खूनी नहीं हूँ। मैं सच बताता हूँ, मुझे एमपी राजशेखर ने अपनी बेटी से झूठी गवाही दिलवाने के लिए रुपए दिए थे। योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करती हूँ कि एमपी राजशेखर के नाम समन जारी करके उन्हें अदालत में बुलाया जाए और तब तक के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। कल अदालत में हाजिर होने के लिए एमपी राजशेखर के नाम समन जारी किया जाए।
रंग खिले हैं, बदन है या बगीचा, सीने से दिल मेरा खींचा। हमको अम्माई अम्माई अब्बाई अब्बाई अब्बा अब्बा करो क्या रब्बा। ये लड़की है कोई, ये लड़की है कोई, यखी का डब्बा। अम्माई अम्माई रवि और मेरी बेटी पद्मा मेरे सीने में सुइयां चुभो रहे थे। कहाँ वो सुअर, कहाँ वो कमीना? अरे यहाँ कोई नहीं है, तुम सपना देख रहे हो। चलो निकलो, चलो सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? चलो बाहर चलो। कैसा सपना? मुझे माफ कर दीजिए, कोर्ट में मेरी बीवी ने मुझसे उल्टे सीधे सवाल किए, इसलिए मेरी जबान फिसल गई। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं दोबारा कोर्ट में जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा कि जो कुछ मैंने कहा था झूठ था। चुप, हर कुत्ता अपनी गली में चिल्लाता है। मुझे तुम जैसे कमीनों की गवाही नहीं चाहिए, मैं कटहरे में खड़े होकर खुद गवाही दूंगा। मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर राजशेखर, आप मदनलाल नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं जानता। आप उस सपना नाम की लड़की को जानते हैं? नहीं जानता। कम से कम आप इस मुलजिम मोहन को तो जानते होंगे? नहीं जानता। तो फिर आप जानते क्या हैं? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है। जिस रात चंपा का कत्ल हुआ आप कल्पना गेस्ट हाउस गए थे? नहीं गया। उस रात आप मिस्टर मदन से कुछ बातें करने वहां गए थे? नहीं गया। तो फिर मिस्टर मदन ने ऐसा क्यों कहा कि आपका इस मुकदमे से संबंध है? साजिश। किसकी साजिश? ऑपोजिशन वालों की? जी नहीं, आप लोगों की। आप लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मिस्टर राजशेखर, आप इस वक्त अदालत में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, अपने घर में नहीं, याद रखिए। जरूर याद रखूंगा योर ऑनर। मेरा इस मुकदमे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस वकील सुमित्रा देवी का उस मदनलाल शर्मा से संबंध जरूर है। वो इनका एक्स हस्बैंड है, पुराना पति, जो कि इन्हें तलाक दे चुका है। और ये मुलजिम मोहन इनका अपना भाई है, और वो डांसर सपना इनकी अपनी बेटी है, जन्म दी हुई बेटी है। ये सारे के सारे रिश्तेदार कल तक तो एक दूसरे के खिलाफ थे, और आज जाने कैसे सबके सब आपस में मिल गए, और मेरे खिलाफ होकर मेरी इज्जत और मेरे नाम को बदनाम करने के लिए ये झूठा ड्रामा रचा रहे हैं। जब मेरे बेटे रघु पर अपनी बीवी के खून के इल्जाम का मुकदमा इसी अदालत में चल रहा था, उस वक्त यही वकील साहिबा जज की कुर्सी पर बैठी थी। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए मैं इनके सामने गिड़गिड़ाया, आंसू बहाए, तो जानते हो इन्होंने हंसकर क्या कहा कि अगर अपने बेटे को बाहर लाना है तो आंसू मत गवाइए, नोटों के बंडल गिनवाइए। मिस्टर राजशेखर, जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप सच पर चौंक क्यों रही हैं? इतना चिल्ला क्यों रही हैं? ये अदालत है, घर नहीं है। योर ऑनर, इन्होंने जज के ओहदे से इसलिए इस्तीफा दिया कि ये वकील बनकर अपने खूनी भाई मोहन को बचा सके। उल्टे सीधे बयान देकर गवाहों को बहका कर ये साबित करना चाहती हैं कि इन दोनों मुकदमों का आपस में गहरा संबंध है, और इसके जरिए ये मुझे बदनाम करना चाहती हैं, मेरी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहती हैं। योर ऑनर, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड।
रेशम की धोती और जरी की अचकन पहनकर आपको हमारे यहाँ संधि की हैसियत से आना चाहिए था, मगर अपना हुलिया तो मुलाजा फरमाइए श्री गणेश विट्ठल कोल्हापुरी साहब। अगर सर के बालों में जों की ताकत को बढ़ने दिया तो वो इंसान का भेजा खा जाए, मगर तुम जैसे आदमी के हाथ में ताकत आ गया तो तुम तो इंसानों को खा जाओगे। लेकिन मैं आपको नहीं खाऊंगा समझी जी, जरा उधर देखिए। अब जरा इस तरफ देखिए। ये तमाशा भी देख लो, एक तरफ दौलत की देवी लक्ष्मी और दूसरी तरफ मौत के देवता यमराज को बिठाया है। जानते हो ये रुपया कौन सा है? तुम्हारी बेटी के नाम पर 5-स्टार होटल बनाने के लिए जो रुपया रखा था वो यही है, और अब इसी रुपए से मैं तुम्हारी बेटी के मुकदमे की समाधि बनाऊंगा। हाँ बनाओ समाधि, हम गरीब लोग की समाधि पर तो तुम अमीर लोग की इमारतें खड़ी है। गणेश ये सारी दौलत मैं तुम्हें दूंगा। याद है उस दिन तुमने यही कहा था कि अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3,000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ठीक है ले जाओ ये रकम और जाकर बांट दो बस्ती के लोगों में, पहुंच डालो उनके आंसू, बखेर दो खुशियां उनके घरों में। लेकिन उससे पहले तुझे अदालत में सिर्फ इतना बयान देना होगा कि तेरी बेटी को पागलपने के दौरे उठते थे, इससे पहले भी उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, तुम ये बयान भी दोगे कि 5-स्टार होटल जो कि मैं उसके नाम पर बनवाने वाला था वो तुम्हारी वजह से नहीं बना, और उसी गम में उसने अपने आप पर पेट्रोल डालकर खुद को जिंदा चला डाला, और ये भी कहना कि तुमने अदालत में हम पर झूठा मुकदमा दायर किया था। अरे बुढ़े गंवार जाहिल इतना बोल दे रहे, मैं हफ्तों भाषण देता रहा मेरे को एक वोट नहीं मिला, और तू सिर्फ एक शब्द बोलेगा तो 50 लाख रुपए तेरे पास खुद ब खुद चलते हुए आ जाएंगे रे। एक गरीब आदमी के शब्द की कीमत 50 लाख रुपया? नहीं, एक अमीर आदमी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपया। अरे काय को इस चूहे के साथ तुम लोग फोकट में डिस्कशन मारता है? अबे ओ बुड्ढे, अगर तूने रुपया नहीं लिया और जैसा अपुन ने बोला वैसा कोर्ट में बयान नहीं दिया तो अपुन तेरा अखा गांव को जला के शमशान घाट में बदल देगा। कल का सूरज कोई नहीं देखेगा, देखेगा तो सिर्फ तुम देखेगा, गलियों में गटरों में लोगों की लाशों को देखेगा। मर्डर ऑल मर्डर खूनम खून लालम लाल। मैं तैयार हूं, इसके वास्ते नहीं कि मेरे को मेरे मरने का डर है, इसके वास्ते कि मेरे को मेरे बस्ती वालों की जिंदगी का फिक्र है। मेरा झूठी गवाह इसे इधर का कोर्ट में तो तुम सब लोग बच जाएगा, पर उधर ऊपर वाले के कोर्ट में क्या करेगा? उधर कोई ताकत कोई पैसा तुम लोग को नहीं बचाएगा। ठीक है, तुम जो बोलता है वही मैं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा, वही बोलूंगा। देवी माँ मुझे आशीर्वाद दे, ऐसा आशीर्वाद के अदालत में आज जज अपनी कुर्सी पर बैठकर यह ऐलान कर दे कि मेरा बेटा बेकसूर है। ये क्या हुआ डैडी, चिराग तो बुझ गया? घबराओ मत बेटा, चिराग बुझाना तो हमारे खानदान की पुरानी रीत है। अरे आज चिराग के बुझ जाने का मतलब अच्छा शगुन है। मैंने अपनी फूंक से कई चिराग बुझा बुझा कर ये हवेली बनाई है, दौलत जमा की है, ये तो अच्छा शगुन है। चल वो लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं, चल। एमपी साहब लानत है, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं बेटे को अदालत ले जा रहा था, इस शुभ घड़ी में लंगड़ाते हुए ये लंगड़ा कहाँ से चला आया? एमपी साहब ये लंगड़ा सारी जिंदगी लंगड़ाता रहा, मगर आपको लंगड़ा होने से बचाता रहा, मगर आज आपके खुद लंगड़ाने का समय आ गया है। क्या मतलब? पार्टी की कमेटी ने एक ऑफिसर भेजा है इंक्वायरी के लिए, और उसने मुझे भेजा है आपको बुलाने के लिए। अब क्या होगा डैडी, चिराग बुझा तो मुझे लगा सिर्फ इस घर की बत्ती गुल हुई है, अब तो लगता है डैडी आपकी भी बत्ती गुल होने का समय आ गया। सिर्फ इनकी बत्ती गुल होने का समय नहीं आया, इनके खुद गुल होने का समय आ गया। जल्दी चलो, बहुत कड़क ऑफिसर है। चुप रघु बेटा, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं,
मेरी नैया पार लगे उसके लिए प्रार्थना करते रहना। बेस्ट ऑफ लक डैडी। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो माई सन। विजयी होकर वापस आना, फिर देखना बैंड बाजे के साथ जश्न मनाएंगे। चलो लंगड़े चलो, कहाँ चलना है? जहाँ आपको लंगड़ा होना है। चलो। जी बिल्कुल नहीं, ये अपोजिशन पार्टी वालों की साजिश है, बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि इसमें विदेशियों का भी हाथ। वो लोग आत्महत्या के केस को खून के केस में बदलकर मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं, मेरी इज्जत को खाक में मिलाना चाह रहे हैं। आप लोगों को उनकी झूठी बातों पर विश्वास करके ऐसा सख्त फैसला नहीं करना चाहिए। मिस्टर राजशेखर, ये मेरा नहीं पूरी पार्टी का फैसला है, और आप तो जानते ही हैं कि जनता की भलाई और सेवा करना हमारी पार्टी का ध्येय है, और कमेटी ये नहीं चाहती कि आप जैसे दागदार लोगों को पार्टी में रखा जाए। एक तो वैसे बेचारों की इज्जत लंगड़ी हो गई है, ऊपर से आप इनको पार्टी से निकाल रहे हैं, ये तो आपका जुल्म है, बेइंसाफी है। तालियां। देखिए, आपको जो कुछ कहना है कमेटी से जाकर कहिए, मैं तो यहाँ सिर्फ इनकी बर्तरफी के कागजात इन्हें देने आया था। नमस्ते। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत मेरा नाम सब मट्टी में मिल गया। मुझे मेरा नाम अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्यारा है, नाम गवा कर अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ? अरे मैं जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? सिद्धे, काय को अपना थोबड़ा तेल में तले हुए पापड़ की तरह पीला कर ला है। अगर एक पत्नी मर गई तो दूसरी कर ले, अगर एक पार्टी छूट गई तो दूसरी में घुस ले, और वैसे भी तू कौन सा इज्जतदार आदमी है कि तेरी इज्जत की नथ उतर जाएगी? अरे नहीं नहीं किंग कॉन्ग पहलवान, ऐसा नहीं है। पार्टी से निकाला हुआ लीडर बिल्कुल ऐसे होता है जैसे बाजारी औरत। इस वक्त हमारी जिंदगी ऐसे है जैसे कुत्ते का चाटा हुआ झूठा बर्तन। बिल्कुल सही है, देखो घंटी भी बज गई। कौन है? एमपी राजशेखर वर्मा होगा, उसे बुला। वो हवान साला रवि बात कर रहा है। बहुत अकड़ रहा साला। यस। नमस्ते राजनेता जी, मैं जनता नेता बोल रहा हूँ। तुम्हारी चाल पलट गई, आज तुम्हारा बेटा कोर्ट में हाजिर नहीं हो सका। क्या भाईजान, भाईजान, भाईजान! बोलो साले जान। भाईजान, सब गड़बड़ हो गई। हम लोग एमपी साहब के बेटे को कोर्ट लेकर जा रहे थे कि रास्ते में रवि उसे गिद्ध की तरह उठा कर ले गया। कुत्ते हरामखोर, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मुझे इस तरह बता दिया, इडियट रैस्कल! अरे रे 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 रे, उन लोगों पर बाद में बिगड़ना, पहले तुम अपनी जान बचाकर फौरन वहां से भाग निकलो, क्योंकि तुम अपने बेटे को कोर्ट में हाजिर ना कर सके। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आ रही है। गुरुजी, गुरुजी, पुलिस आ रही है। अरे पहले तो दरवाजा बंद कर। तुम लोग पीछे के रास्ते से निकलो। मेरे बेटे का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। डैडी, डैडी मुझे बचा लो। नहीं, उसको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। मैं नहीं, कोई तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम वहां से ना गए तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे, और तुम्हारा और हमारे बीच जो चैलेंज था वो तुम्हारा और पुलिस के बीच हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आपस की बाजी आपस में ही रहना चाहिए। जल्दी भागो, मेरे जीजाजी तुम पर बहुत भड़के हुए हैं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हेलो 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 रवि, हेलो हेलो रवि, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ और अपन कट्टे पे जाकर छुट जाओ। रात सवाल तुम्हारे बेटे का, वो जिधर भी होगा अपन उसकी तलाश करके तुम तक पहुंचा देगा, और अगर रास्ते में कोई भी आड़े आने की कोशिश करेगा, मर्डर्स, ऑल मर्डर्स, खूनम खून, लालम लाल, खूनम खून, लालम लाल। अरे तुम पर इतबार करके ही तो हमारा ये बेड़ा गर्क हुआ है। अरे तू तो अपन का खत्म बन गया है। अपन इसको समझा रहा है कि यहाँ से भागो, और ये अपन से सवाल पे सवाल किया जा रहा है। भाग भाग ऐसे। चल लंगड़े, फिर लंगड़े। अरे चल भाग, चले आपके लिए मैं भागता हूँ। अपन की गुंडा बिरादरी की नाक कट गई रे, डूब मरने वाली बात है। इस कल के छोकरे ने अपन की अखा दुनिया को हिला डाला, साला अकेला अपन के साथ कबड्डी खेलता है। ए पथराने वाले हरामी साले, ये सब लफड़ा तेरी छोकरी की वजह से हुआ है। वो साली कॉलरा बनकर अपन की काली दुनिया में आई और सबको बीमार कर डाला। क्लब में नाचने की जगह वो साली अपन को अदालत में नचा रही है। अपन उसकी गर्दन पकड़ कर उसे जान से मार देगा, नहीं छोड़ेगा उसे, नहीं छोड़ेगा। नहीं किंग कॉन्ग जी, मेरी बेटी को तकलीफ मत पहुंचाना। मैं उसे कहूंगा वो अपना बयान बदल देगी, हमारे हक में गवाही भी देगी। चाहे ये लोग मेरी जान भी ले लें, फिर भी मैं इन लोगों के लिए अदालत में झूठा बयान नहीं दूंगी। झूठा बयान नहीं देगी? जान भी चली जाए तो भी झूठा बयान नहीं देगी, और अगर इज्जत चली गई तो? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे कमीने, ¶¶
छोड़ो छोड़ो। अरे लड़की भागी, चलो पकड़ो उसे। ये बयान खुद अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव या धमकी के दे रहा हूँ। मेरी पत्नी कमला की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। उसका कत्ल मेरी ही वजह से हुआ था। सुमित्रा बेटी, सुमित्रा, रोनी बात हो गई। तुम ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। कहर हो गया बेटी का, सब हो गया। हे भगवान, जल्दी आओ बेटी, जल्दी करो। क्या हुआ चाची, क्या हुआ? अदालत में मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि मोहन को फांसी होने वाली है। यह सब मेरी झूठी गवाही की वजह से ही हुआ है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। इससे पहले कि मोहन को फांसी हो जाए, मैं खुद आत्महत्या कर रही हूं। जलील लोगों ने सपना को जान से मार डाला और इस कत्ल को भी खुदकुशी का केस बनाने की कोशिश कर रहे। सुमित्रा, सुमित्रा, सुमित्रा! क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी सपना को क्या हुआ? मेरी सपना को क्या हुआ? मैंने अपनी बेटी को मार डाला। मैं तेरा कातिल हूँ बेटी। मैंने बेटी को मार डाला। तकदीर ने मेरे साथ कैसा इंसाफ किया? जब मैं जिंदगी भर एक बुरा आदमी था तो मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन जब जब एक अच्छा इंसान बनने का मन में ख्याल आया तो मेरी बेटी मुझसे दूर चली गई। बहुत दूर चली गई मेरी बेटी मुझसे। सुमित्रा, जिन हाथों ने तेरी मांग में सिंदूर भरा था, आज अपने हाथों को जोड़कर तुझे प्रणाम करता हूं। आज अपने हाथों को जोड़कर तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दे सुमित्रा। सुमित्रा, देखा, तेरी शराफत, तेरी ईमानदारी और वफादारी ने तुझे क्या तोहफा दिया है। तू अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर डोली में विदा करना चाहती थी। ये तो विदा हो गए, मगर डोली में नहीं, अर्थी में, अर्थी में विदा हो गई। रवि, तुमने मुझसे छोटे होते हुए भी जिंदगी की सच्चाई को मुझसे ज्यादा समझ लिया। जिस कानून को मैंने अपना मजहब समझा, अपनी जिंदगी का मकसद समझा, उसी कानून ने मेरे बच्चे की जान की कुर्बानी ले ली। मैंने अपने पति को छोड़ दिया, जज के ओहदे से मैंने इस्तीफा दे दिया और आज
आज उसी कानून की वजह से मैंने अपनी जवान बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खोकर मैं बिना औलाद के बनकर रह गई। लेकिन रवि, देर से ही सही, आज मैं समझ गई, इंसाफ और कानून चंद लोगों के हाथों में गेंद बनकर उछल रहे हैं, और जब तक ये गेंद राजनीति के जालिमों की कैद से आजाद नहीं होते, तब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता, किसी के साथ न्याय नहीं हो सकता। आज तेरा भाई तुझसे वादा करता है दीदी कि समाज के गंदे लोगों के हाथ तोड़कर इंसाफ को वापस आजाद करा के लाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे गलत कदम क्यों ना उठाना पड़े। वाह, बड़ा तीर मार लिया। अरे उस जानसर सपना को कत्ल करने में मेरा क्या फायदा हुआ? अरे पहले मेरे बेटे रघु को उस हराम को रवि की कैद से छुड़ा कर लाओ। अरे बाबा, आप क्या हाथ छोड़ा के लाएगा? किसको मालूम आपका बेटा जिंदा भी है या मर के सुरक्षित आ गया? अबे उल्लंघन, मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। रघु बेटे, तू ठीक तो है ना? उस रवि के बच्चे ने तुझे कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? अरे कुछ नहीं, पहले की तरह खड़ा हुआ है। उसने मेरा बयान रिकॉर्ड करवा लिया जबरदस्ती कि मैंने कमला का खून किया है। किंग कांग जी, इस टेप रिकॉर्डर में मेरी आवाज भरी हुई है कि मैंने अपनी पत्नी का खून किया है। अरे तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? आग लगा दे क्या चट्टो। यहाँ पर अपन का हुकूमत चलता है, अपन का परमिशन के बगैर यहाँ पर हवा भी नहीं खुल सकता। तो तू इधर आए क्या? हाँ, जिन्हें तूने सहारा दिया है उन्हें कब्रिस्तान पहुंचाने आया हूँ। Thank you.
वजह भी है और वारंट भी। क्योंकि इन मुल्जिमान के जुर्म साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत रघु को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। राजशेखर और किंग कांग को सजाए मौत, सेवक राम और मदन लाल को 3-3 साल की सजाए कैद। माँ, सिर्फ 3 साल? अच्छा है, मतलब ठीक, अगले इलेक्शन तक मैं बाहर आ जाऊंगा। और अदालत मोहन को चंपा के कत्ल में निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। अरे मुन्ना, आज ऐसा बाजा बजा के बाजाओं का भी बाजा बजता है। अरे ये कोई बाजा है? बजाना है तो पुलिस बैंड बजाओ, बाजाओं का बाजा। तुम चुप करो जी, मैं बात कर रही हूँ ना। मैं तुम्हारा पति हूँ संभाल के। सिर्फ नाम के।